कुरुषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मे पद्मनिभीक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भशरीरभृद् महर्धिरुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः परधीः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टशुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवपृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुर्धोक्षजः ऋतुस्सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरः स्थाणुः प्रमाणम् बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्वीणस्थविष्ठो भूर्धर्मयूपो महामखः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रम् सताम् गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्धर्मकृद्धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्राशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्ति नेमि सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गुप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्गुप्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपोमृतपस्सोमः पुरुजित्पुरुसत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दाशार्हः सात्वतांपतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भो निधिरनन्दात्मा महोदधीशयन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यो जिता मित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मात्रिविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्यः कृतघ्नो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधास्वाङ्गो जितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महात्मनः भगवान् भगः नन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्जनसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः दिविस्मृक्सर्वदृव्यासो वाचस्पतिर्यो निजः त्रिसामा सामगस्साम निर्वाणम् भेषजम् भिषः सन्न्यासरुच्छमशान्तो निष्ठा शान्तिपरायणः शुभाङ्गः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षिप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सः श्रीवासः श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरश्रेयः श्रीमान् लोकत्रयश्रेयः स्वक्षः स्वङ्गः शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुरनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिहावीरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः अनिर्देश्यव पुरुविष्णुर्वीरो नन्दो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मग्नो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेज महोदगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रम् स्तुतिः स्तोता
कारण प्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिशतानः एको नैकः सवः कः किं यत्तत्पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमशून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधामेधजोदन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोद्युतिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपाः समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविज्ञैः सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः महाहरदो महाकर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो निलः अमृताशो मृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुरतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः न्यग्रोधो दुङ्गरोऽश्वत्थश्चाणूरान्ध्रशूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधाः सप्तवाहनः अमूर्तिरनघोचित्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृश स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् धृतः स्वधृतः स्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीशस्तर्वकामदः आश्रमश्रमणक्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियाभूर्ः प्रियप्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुग्विभुः रविर्विलोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रजः अनिर्वेण सदा महर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदः स्वस्ति कृत्स्वस्ति स्वस्ति भुक्स्वस्ति दक्षिणः हरौद्रः कुण्डली चक्री विक्रम यूर्जितशासनः शब्दादिकः शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः परिवस्थितः अनन्तरूपो नन्तश्रीर्जितमन्युर्भयापहः चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पः स प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवलपणः प्रमाणम् प्राणनिलयः प्राणभृत्प्राणजीवनः तत्त्वम् तत्त्वविवेकात्मा जन्म मृत्युजरातिकः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवान् यज्ञभृद्यज्ञकृद्यग्नि यज्ञभोग्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृद्यज्ञगुह्य मन्नमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकी नन्दनः स्रष्टा क्षितिश पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुध ॐ नम इति इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितम् यैदं शृणुयान्नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमुत्रेह च मानवः वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्धः स्यात् शूद्रः सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मम् अर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामे प्रजाति प्राप्नुयात् प्रजा
भक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तये यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमं न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्य रोगो द्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगाद् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः दुर्गाणि यति तरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्ति समन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेव परायणः सर्वपाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनं न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवमधीयानः श्रद्धा भक्ति समन्वितः युज्येतात्मसुखक्षान्ते श्रीधृति स्मृति कीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः भवन्ति कृत पुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौश्च चन्द्रार्क नक्षत्राखं दिशो भूर्महो दधिः वासुदेवस्य वीर्येण विदृतानि महात्मनः ससुरासुर गन्धर्वं सयक्षो रग राक्षसं जगद्वशे वर्तते इदं कृष्णस्य सुतराजनम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सत्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञैव च सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते आचार प्रभुः धर्मो धर्मस्य प्रभुरक्षितः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदा शास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दन एको विष्णुर्महद्भूतं पृथक् भूतान्यनेकशः त्रिलोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्येह इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं पठेद्यैच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं नते यान्ति पराभवम् ॐ तत्सदिति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्याम् आनुशासनिके पर्वणि भीष्मयुधिष्ठिरसंवादे श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहं भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरिः ॐ तत्सत् हरिः ॐ तत्सत् हरिः ॐ तत्सत् श्री हरि भगवान् की सभी को जय श्री कृष्ण जय श्री राम पूज्य भाई श्री का आगमन हम सभी के बीच में हो गया है हम सभी संग मिलकर पूज्य भाई श्री का शुभ स्वागत करते हैं और जहां पर है वहीं से हम पूज्य भाई श्री के श्री चरणारविंद में प्रेम प्रणाम निवेदन करते हैं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि वेणुं क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दत्वकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आलोलचन्द्रकलतद्वनमाल्यवंशी आप सभी को जय श्री कृष्ण जय श्री राम सभी को प्रेम प्रणाम सभी का प्यार भरा स्वागत जूम ऐप एवं
श्री संदीपनी विद्यानिकेतन के विविध मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए समग्र विश्व से श्री हरि के आप सभी बड़े ही प्यारे भक्तजनों का संदीपनी के इस प्यार भरे आंगन से आज हम स्वागत करते हैं। पुनः एक बार फिर से वो वाणी का रसा स्वादन करने हम जा रहे हैं, जिसको सुनने के लिए हम लालाहित रहते हैं, हमारा मन तड़पता रहता है, हमारी बुद्धि उन विचारों को अपने खाली दोनों में भरने के लिए बड़ी ही उत्कंठा से लगी हुई रहती है कि कब मुझे प्राप्त हो। लो, प्राप्त हो गया। चलो चले फिर से उस वाणी के साथ, उस वाणी के प्रवाह के साथ, जहाँ एक निर्मलता है, जहाँ एक पावित्र्य है, जहाँ एक पुनीतता है, जहाँ भगवान का अनुभव है। तो आज जैसे हम सभी जानते हैं, हमारे गुरुदेव पूज्य भाई श्री आज से विष्णु सहस्र नाम स्तोत्रम पर लगातार 11 दिन तक, वो भी प्रतिदिन 2.5 घंटे तक हम सभी को वाणी प्रसाद बांटने वाले हैं। हम सभी बड़े ही भाग्यशाली हैं, और सबसे बड़े भाग्यशाली कि जिन्होंने ये 11 दिन का अवसर आया और जो मनोरथी बनकर प्रस्तुत हुए, ऐसे हमारे परम भगवदीया गौरी बहन विजय जी गोयल परिवार, हम उनका तालियों के नाद से अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। और उनसे मैं आरंभ में निवेदन करता हूं कि आप मंच पर आइए, और आप यहां पर उपस्थित है और पूरा परिवार मेरठ से जूम ऐप पर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो पूरे परिवार की ओर से अब यहां पर पूज्य भाई श्री का एवं विष्णु सहस्र की पोथी जी का यहां पर पूजा अर्चना संपन्न की जाएगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मंच पर पधारे और पूजा में सम्मिलित हों। चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सर्वक्षस्थलकोस्तु भश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। मेत्रे धारी दधे पदम समूलमस्य पाघु सुरे समर्पयामि बकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्ना गजाति करवीर रसाल पुष्पे निर्वा प्रवाल तुलसी जलमाल तेभि पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। बुधे उल्लारविन्दायत पात्र नेत्र येन त्वया भारततेन पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। एकादश दिवसीय हमारी इस प्रवचन यात्रा के मनोरथी भगवदीया गौरी बहन विजय जी गोयल से मैं निवेदन करूंगा कि मंगलमय दीप प्रज्वलन के लिए आप यहां पर पधारिए। साथ में हमारे श्री संदीपनी विद्यानिकेतन के ऋषि कुमारों से भी निवेदन करूंगा कि वे भी इस मंगलमय दीप प्रज्वलन में मंत्रोच्चार के साथ जुड़ेंगे। आइए हम सभी मंगलमय दीप प्रज्वलन में जुड़े। हरि ओम मां चंद्रमा मनसो जात चक्षो
प्राणस्य मुखात् अग्निर्जायत। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। मंगलमय दीप प्रज्वलन के बाद हमारे सांदीपनि विद्यानिकेतन की महनीय परंपरा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ, श्रुतियों की ध्वनियों के साथ हमारे किसी भी सभा का आरंभ होता है। तो आज हम यह प्रवचन सत्र में जुड़े उससे पूर्व श्री सांदीपनि विद्यानिकेतन के ऋषि कुमारों से निवेदन करूंगा कि वे यहाँ मंच पर पधारे और उनके द्वारा मंगलमय श्रुति मंत्र गान किया जाएगा। हरि ओम आद्यो शांतिरंतरिक्षो शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोगधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वज्ञो शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव चद्भजरन्तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वर्तमान समय में हम ऐसे समय में जी रहे हैं जिसकी किसी ने भी कभी भी कल्पना भी नहीं की थी। कोरोना का यह काल है जिसने हम सभी की दुनिया बदल कर रख दी, हमारी जिंदगियां बदल कर रख दी है। और ऐसे समय में सभी को एक सहारे की जरूरत होती है, सभी को एक आधार की जरूरत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हम कमजोर पड़ रहे हैं इस समय में। और ऐसे समय में यदि हमें अध्यात्म का आधार मिले तो वो आधार बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। हमारे समग्र विश्व में फैले हुए श्री हरि के सभी प्यारे भक्तजनों की ये एक प्रार्थना रही कि समयांतर में परम पूज्य भाई श्री के द्वारा हमें कुछ ना कुछ सत्संग प्राप्त हो, जिस उस सत्संग से हमारे जीवन का आधार बना रहे। और आप सभी हमारे श्री हरि के प्यारे भक्तजनों की जो ये भाव था, जो आप सभी की प्रार्थना थी, उसके चलते परम पूज्य भाई श्री ने हम सभी पर कृपा करी और कार्तिक मास, विशेष रूप से जिस मास में भगवान नारायण की पूजा अर्चना का महत्व बताया गया है, ऐसे मास में और वो भी जब हमारे माता पिता का विवाह उत्सव मनाया जा रहा है, ऐसे एकादशी पर्व से निरंतर 11 दिन तक सायंकालीन सत्र में हमें पूज्य भाई श्री के श्री मुख से दिव्य सत्संग प्राप्त होने जा रहा है, यह हम सभी का परम सौभाग्य है। साथ में आज हमारे साथ विशेष रूप से हमारे दैनिक यजमान भी जुड़े हैं जूम ऐप के माध्यम से, भगवदिया श्री रीचा बहन शर्मा, कृष्णा बहन शर्मा, विभू महाजन दिल्ली से। हम सांदीपनि के इस आंगन से आपका स्वागत करते हैं और आज के प्रवचन सत्र के आरंभ में हम आपकी ओर से पूज्य भाई श्री के श्री चरणारविंद में दैन्य भाव से प्रणाम निवेदन करते हैं। साथ में आप हमारे श्री हरि के प्यारे सभी भक्तजन, जो भी भक्तजन संपूर्ण 11 दिन तक चलने वाले इस दिव्य सत्संग में यदि यह सेवा लेना चाहते हैं तो अमेरिका में जो हमारे भक्त हैं वे सभी हमारे श्री अरविंद भाई पटेल का संपर्क करें, जिनके संपर्क सूत्र है +1 313 850
9937। और जो हमारे अन्य सभी आप श्री हरि के प्यारे भक्तजन हैं, वे संपर्क करें ऋषि कुमार श्री भरत भाई दवे का, जिनके संपर्क सूत्र है +91 9925196353। तो अवश्य आप भी इस प्रवचन सत्र के साथ दैनिक यजमान की सेवा लेकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ में आज जूम ऐप के द्वारा विशेष रूप से उपस्थित है श्री दिव्यस भाई ठक्कर, मेंबर ऑफ सांदीपनी साउथ इंडिया परिवार कोयम्बतूर, श्री सचिन भाई कोटेचा, मेंबर ऑफ सांदीपनी साउथ इंडिया परिवार कोयम्बतूर, और विशेष रूप से आज उनका जन्मदिन भी है, तो हम आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, अर्पण करते हैं। साथ में श्री ज्योतिबेन कृष्णा कुमार कोयम्बतूर, श्री हर्षद भाई जोशी, मेंबर ऑफ सांदीपनी साउथ इंडिया परिवार कोयम्बतूर, श्री पल्लवी बेन कोटेचा कोयम्बतूर, ये सभी जूम ऐप के द्वारा विशेष रूप से हमारे साथ हमारे सांदीपनी साउथ इंडिया परिवार के सभी परिवारजन जुड़े हैं। हम आप सभी का स्वागत करते हैं और आरंभ में आप सभी की ओर से हम पूज्य भाई श्री के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं। आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसे अधिक मास में, पूर्ण पुरुषोत्तम मास में, हम सभी ने पूरा महीना परम पूज्य भाई श्री के श्रीमुख से दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसास्वादन किया, और उसी कथा के दौरान पूज्य भाई श्री के मन में यह संकल्प उठा कि विष्णु सहस्र नाम स्तोत्रम पर एक बार प्रवचन की यात्रा करनी है। और देखिए, वो यात्रा आज अपनी मंजिल तक पहुंच गई है, और हम सब ऐसे भाग्यशाली है कि उस यात्रा में हम भी जुड़ने वाले हैं। और ये पूरा एक विशेष और नया उपक्रम है। पूज्य भाई श्री के श्रीमुख से हमने राम कथा सुनी है, पूज्य भाई श्री के श्रीमुख से हमने भागवत कथा सुनी है, हनुमत चरित्र सुना है, लेकिन विष्णु सहस्र नाम स्तोत्रम पर कभी प्रवचन नहीं सुना। आज हम वो सुनने जा रहे हैं। हमसे बड़ा भाग्यशाली और कौन होगा? तो आइए अब हम सभी साथ मिलकर पूज्य भाई श्री के श्री चरणों में प्रणाम के साथ प्रार्थना करें। बड़ा ही प्यारा श्लोक है श्रीमद् भागवत महापुराण का, तच्चित्र तांडव विरुग्ण फणात पत्रम रक्तम मुखे रुरुवमन रूप भग्न गात्रह स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। इसी भाव के साथ पूज्य भाई श्री के श्री चरणों में प्रणाम के साथ प्रार्थना। कृपा पूर्वक पूज्य भाई श्री अब हम सभी को दिव्य सत्संग की ओर ले चले, विष्णु सहस्र नाम स्तोत्रम की ओर। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री आराम, सभी को प्रणाम। तत्त्वमहं न जाने
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकम् सर्वलोकानां कारणम् तं नमाम्यहम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री हरि भगवान की सच्चिदानंद भगवान की जय सदगुरु भगवान की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव सभी को जय श्री कृष्ण हरिओम। आप सभी का प्रेमपूर्ण स्वागत। दीपावली के बाद वाले इस वर्ष में हम आज से यानी एकादशी से एकादश दिवस पर्यंत भगवान के जो विभिन्न नाम श्री विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र के अंतर्गत व्यास भगवान के द्वारा प्राप्त हुए हैं, हमें जो भीष्म युधिष्ठिर के संवाद के रूप में महाभारत में बताए गए हैं, उस पर हम सत्संग करेंगे, कुछ चिंतन करेंगे। कथा नहीं, ये प्रवचन का रूप है और इसलिए थोड़ा परिवेश भी उस ढंग से बनाया गया है। जैसा कि अधिक मास वाली एक मास साध्य श्रीमद् भागवत कथा में जो बताया गया था कि जब ठाकुर जी चाहेंगे विष्णु सहस्र नाम पर
भगवान की वांग्मयी सेवा करने का भाव है। और ये भी बताया गया था कि एकादश स्कंद पर एक मास पर्यंत चलने वाली भागवत कथा में भी हम चर्चा नहीं कर पाए, एकादश स्कंद के साथ न्याय नहीं हो पाया, इसलिए अलग से एकादश स्कंद पर जब ठाकुर जी चाहेंगे सत्संग होगा। मेरे ख्याल से जब जिस क्रम में ये दोनों बातें कथा में हुई थी उसी क्रम में ठाकुर जी इसको साकार भी करेंगे। जहां तक मेरा स्मरण है विष्णु सहस्र नाम वाली बात ही पहले कही गई थी, क्योंकि एकादश स्कंद वाली बात तो फिर एकादश स्कंद में पीछे वाले दिनों में ही चल करके हुई, इसलिए पहले ये वाला यानी विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र पर प्रवचन वाला क्रम भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। और इसी वर्ष में एकादश स्कंद वाला भी हो ही जाएगा, ठाकुर जी जब जहां चाहेंगे वहां पर, लेकिन इसी वर्ष में वो एकादश स्कंद पर भी हम सत्संग करेंगे। एक मास वाली कथा और उसके तुरंत पश्चात शारदीय नवरात्रि पर्व, श्री रामचरितमानस का पठन गायन अनुष्ठान, और अपराह्न काल में श्याम भाई के श्रीमुख से देवी भागवत का हम लोगों ने श्रवण किया। एक आध महीना बीत गया और बीच में सब लोगों का ये भाव आता रहा कि अभी भी ये काल ये समय वैसा ही चल रहा है। बाहर मैदान में तो अभी कथा जा नहीं पाएगी और सत्संग चलते रहना चाहिए, तो इसी दरम्यान फिर से यहां श्री हरि की ही सन्निधि से जो अधिक मास में हमने प्रतिदिन भगवान विष्णु का सहस्रार्चन किया प्रातः काल में, भगवान विष्णु की शालिग्राम भगवान की षोडशोपचार पूजा और तत्पश्चात इन सहस्र नामों से तुलसी जी के द्वारा अर्चना हुई। आज तुलसी विवाह आरंभ है। एक बात और बता दूं कि पूज्य महाराष्ट्री का फिर से स्मरण करते हैं, पूज्य रमन रीति वाले पूज्य महाराष्ट्री का चातुर्मास का प्रारंभ हुआ उसके पूर्व यानी आषाढ़ एकादशी देव शयनी एकादशी, उसके कुछ दिन पहले महाराष्ट्री के साथ बात हो रही थी तो महाराष्ट्री ने कहा कि ये जो चातुर्मास है आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी पर्यंत, उसमें कुछ न कुछ विशेष नियम बनाना चाहिए। रोज जो करते हैं वो तो हम करते ही हैं और वो तो नियम पूर्वक चलेगा, लेकिन इस चातुर्मास के दरमियान कुछ विशेष नियम बनाकर चलना चाहिए, चाहे 5 मिनट का ही सही। महर्षि ने यह कहा था चाहे 5 मिनट का ही सही, लेकिन फिर नियम पूर्वक 4 महीना वो करें। तो फिर महर्षि से हमने कहा कि आपकी आज्ञा और आपका आशीर्वाद, क्या करना है वो तो महर्षि ने नहीं बताया था, नियम के बारे में बताया था कि कुछ चतुर्मास में श्री हरि के सानिध्य में आप कुछ ना कुछ करोगे ही, लेकिन इन 4 महीनों में कुछ विशेष रूप से करो, चाहे 5 मिनट का ही सही।
और श्री हरि के समक्ष बैठे हुए जब आरती के पश्चात प्रार्थना होती है तो ध्यान के उन क्षणों में मन में ये भाव उठा कि रोज प्रातः काल तो हमारे यहाँ विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पठन होता ही है, श्रीमद् भागवत का भी पाठ होता है, तो सायं श्री हरि की आरती के पश्चात प्रार्थना इत्यादि हो जाए उसके पश्चात हम 7:30 बजे से लेकर सब लोग मिलकर के श्री विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र का पाठ करेंगे तो 20 मिनट कुछ लगते हैं। तो एकादशी यानी देव शयनी एकादशी से ही वो नियम प्रारंभ हो गया और आज चातुर्मास पूर्ण हो रहे हैं। हमने 4 मास पर्यंत नियम पूर्वक देखो भगवान का अनुग्रह, भगवान श्री हरि का कृपा प्रसाद और संतों महापुरुषों का आशीर्वाद क्या करता है इसकी मैं चर्चा कर रहा हूं आपके साथ। तो चातुर्मास पर्यंत वो नियम बराबर हुआ प्रभु कृपा से और अधिक मास में तो फिर षोडशोपचार पूजा के साथ तुलसी जी के द्वारा सहस्रार्चन भी नित्य प्रातः काल में हुआ। उसका फल भगवान ने क्या दिया ये संयोग देखिए आप कि आज एकादशी के दिन उस वाले नियम की पूर्णा होती है, उसका विराम है और उसी दिन से विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पर एकादशी से ही एकादश दिवस पर्यंत भगवान के नामों पर सत्संग का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। यह फलश्रुति है और नाम महिमा गाते गाते भगवान के एक एक नामों का अर्थ भाव जो आदि शंकराचार्य भगवान से लेकर के और सांप्रत समय के अनेक आचार्यों पर्यंत सभी महानुभावों ने प्रकट किया है, फिर पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज हो, विनोबा जी हो, अनेक लोगों ने प्रकट किया है भाव और सभी ने कुछ न कुछ बोला है, कहा है, लिखा है, छपा है, वो जो बोले हैं उसके ऊपर अनेक अनेक पुस्तक अनेक ग्रंथ जिनको स्वाध्याय करना है उनके लिए उपलब्ध है। तो उन सब की सहायता लेते हुए हम लोग 11 दिवस पर्यंत भगवान के नामों पर चर्चा करेंगे। बहन गौरी गोयल, विजय गोयल और परिवार ये यही है और निश्चित रूप से विजय को और लाला तुम दोनों को मिक्स कर रहे हैं लेकिन फिर ये सेवा आप लोगों ने मुख्य मनोरथी के रूप में ले ली। वो तो आप भगवान के श्री हरि के जितने आप सभी देश विदेश में बैठे हैं कुछ ना कुछ जब ठाकुर जी ऐसा संकल्प लिवाते हैं सत्संग का तो तुरंत सेवा लेने वाले भी तैयार हो जाते हैं। तो आइए आज से हम प्रारंभ करते हैं। ये मुझे स्मरण हो रहा है आज प्रारंभ के दिन अपने डॉक्टर गौतम पटेल जिन्होंने अपने श्रीमद् भागवत का संपादन किया है, वो उन्हीं के द्वारा जो संपादन किया हुआ है भागवत अपना शुक सुधा या भागवत सुधा, वो पता नहीं कितने एडिशन छप गए हैं अभी तक और सभी भावक पढ़ते रहते हैं। हिंदी कथाओं के आधार पर भी भागवत भागीरथी का प्रकाशन हुआ है, लोग उसका भी पाठ स्वाध्याय करते हैं। वो
वो जब अपने भागवत का संपादन कर रहे थे परमार्थ निकेतन में, गंगा तट पर ऋषिकेश में, पूज्य मुनि जी महाराज से, पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज से, मैंने कहा कि भाई ये लोग आकर के वहां करना चाहते, बोले आप ही का घर है, प्रेम से रहे। और कुछ मेरे ख्याल से 2.5 महीना वो वहां रहे पति पत्नी दोनों। अब उनकी धर्म पत्नी का तो शरीर शांत हो गया, तो उसी समय उन्होंने संपादन करते करते रोज भगवत गंगा जी के तट पर किनारे पर बैठकर विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ किया। देखो भागवत, भागवत के द्वारा फिर भागीरथी गंगा, भागीरथी गंगा के तट पर बैठ करके भागवत का संपादन, संपादन के उस कार्य के दरमियान रोज संध्या समय में या गंगा जी के तट पर उन दोनों के द्वारा विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र का पाठ, और उसी समय उनके भी मन में यह आना कि विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र पर एक पुस्तक लिखेंगे, और उन्होंने भी वो फिर परिश्रम करके शंकर भाष्य के आधार पर और अपना सब भाव मिलाकर उन्होंने भी एक सुंदर पुस्तक प्रिंट किया है, वो भी कई भावकों के पास पहुंचा हुआ है। तो जैसा हमने बताया आद्य शंकराचार्य भगवान से लेकर के विनोबा जी हो, ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज हो, या अन्य कई चिंतक जिनके द्वारा इस पर विचार किया गया है, आज हम सब उसी विषय को लेकर के, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं कोई नई बात तो कह नहीं रहा हूं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कुचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। बस उसी तरह उन सभी टीकाओं को एकत्र करके, उन सब के सार सार भाग को लेकर के, और अपने भीतर बैठे हुए भगवान भी जो उसमें मरी मसाला डालेंगे, अपना कुछ फ्लेवर उसमें ऐड करेंगे, वो सब मिला मिलू के 11 दिवसीय ये सत्संग हम लोग करेंगे। आप सब लोग उसी तरह से जूम ऐप के माध्यम से भी जुड़े हैं, तो उसी तरह से मैं देख रहा हूं बड़े स्क्रीन पर आप लोगों की हाजिरी भी यहां लगी हुई है, तो लगता है कि यहां ऑडिटोरियम में, सांदीपनी सभागृह में आप सब लोग सम्मुख बैठे हैं, और बाकी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो लोग देश विदेश में श्रवण कर रहे हैं उन सबका स्वागत है। आइए हम लोग प्रणाम करते हैं। भगवान आद्य शंकराचार्य विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर जो भाष्य किया, या तो उन्होंने जो उसके ऊपर अपने विचार अपने भाव प्रकट किए, आरंभ में उन्होंने 3 श्लोकों में मंगलाचरण में जो कुछ कहा है, थोड़ा मुझे इच्छा है कि उसका संकीर्तन हम लोग भी करें। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, कृष्णाय क्लिष्टकारिणे, कृष्णाय क्लिष्टकारिणे, नमो वेदांत विद्याय, नमो वेदांत विद्याय, गुरवे बुद्धि साक्षिणे, गुरवे बुद्धि साक्षिणे, कृष्णद्वैपायनं व्यासं, कृष्णद्वैपायनं व्यासं, सर्वलोकहिते रतं, सर्वलोकहिते रतं, वेदाब्जभास्करं वन्दे, वेदाब्जभास्करं वन्दे,
शमादिनिलयं मुनिम् सहस्रमूर्तेः पुरुषोत्तमस्य सहस्रनाम्नां स्तवनं प्रशस्तम् निरुच्यते जन्म जरादि शान्त्यै निरुच्यते जन्म जरादि शान्त्यै सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय अक्लिष्टकारिणे सच्चिदानंद स्वरूप अनायास ही सब कर्म करने वाले अक्लिष्टकारिणी वेदांत वेद्याय वेदांत वेद्य बुद्धि साक्षिणे बुद्धि के साक्षी ऐसे गुरवे कृष्ण को गुरु का कृष्णम वंदे जगत गुरुम ऐसे गुरुवर श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। वेद रूपी कमल के लिए सूर्य रूप या ज्ञान रूपी कमल के लिए सूर्य रूप ऐसा कह लो, बात एक ही है। व्यास जी की वंदना है। जो वेद रूपी कमल के लिए सूर्य रूप है या ज्ञान रूपी कमल के लिए सूर्य रूप है, रामचरितमानस में यहां ज्ञान की बात है तो वहां वैराग्य की यदि बात हम करें तो वहां शंकर जी की वंदना में वैराग्याम बुजभास्करम भगवान शिव को वैराग्य रूपी कमल के लिए भास्कर बताया गया। जैसे सूर्य को देख करके कमल विकसित होता है तो भगवान शिव जी का दर्शन ऐसा है कि साधक का वैराग्य रूपी कमल खिल जाता है, विकसित हो जाता है। भोले बाबा का दर्शन करो और तुम्हारे अंदर का वैराग्य ना बढ़े तो क्या दर्शन किया। जैसे कई बार हम कथाओं में चर्चा करते हैं ना कि आप राधा कृष्ण मंदिर में गए, आप मुरली मनोहर का दर्शन करने गए और दर्शन करके लौटे और आपके होठों पर मुस्कान न आई तो आपने क्या दर्शन किया। आप बिना दर्शन के ही लौट आए, आपने केवल देख लिया मंदिर के परिवेश को और मंदिर में जो प्रतिमा है उसको देख लिया लेकिन दर्शन नहीं किया। वास्तव में यदि श्री कृष्ण का दर्शन किया होता तो आपके होठों पर मुस्कान होती ही, आप का वदन प्रसन्न होता। आप देखो कृष्ण के मंदिर में जो लोग भी दर्शन करने जाए, चाहे वो श्याम हो, चाहे शंकर हो, चाहे हार्दिक हो, चाहे भरत हो, हैं, जो भी जाए, लेकिन दर्शन करके जब वहां से निकलते हैं ना, अनेक नाम वाले हैं सब अंदर जाकर दर्शन करने वाले, दर्शनार्थी अनेक नाम पर है, सविता है, कविता है, भानु बहन है, आदि आदि, लेकिन जैसे ही दर्शन करके कृष्ण मंदिर से निकले तो क्या होता है पता है, सबका एक ही नाम हो जाता है। कृष्ण मंदिर से दर्शन करके जब बाहर निकलो तो
तो चाहे श्याम हो, चाहे शंकर हो, चाहे विपिन हो, चाहे भरत हो, जब बाहर निकलते हैं तो क्या बन जाते हैं पता है? प्रसन्न बदन। सबका एक ही नाम हो जाता है, प्रसन्न बदन या प्रसन्न बदना, प्रसन्ना। कई बहनों का नाम होता है प्रसन्ना, कई भाइयों का नाम होता है प्रसन्न वदन। आपने होता था प्रसन्न वदन मेहता, तो सबका कॉमन नाम हो जाता है प्रसन्न वदन। तो कृष्ण मंदिर में दर्शन करके आप लौटो और प्रसन्न वदन होकर के न लौटो, आपके होठों पर वो मुस्कान न हो मधुर, आपके वदन पर वो प्रसन्नता ना झलके, ना दर्शन नहीं किया। और उसी तरह भोले बाबा का दर्शन करके लौटो और आपके अंदर की वैराग्य की वृत्ति ना खिले। वैराग्यांबुज भास्करम, तो आपने भोलेनाथ का ठीक दर्शन नहीं किया। शिव जी का दर्शन करने का ये मतलब है, उसका परिणाम ये निकलता है वैराग्य वाला कमल खिल जाए। और उसी तरह ये विशाल बुद्धि वाले भगवान वेद व्यास जी वो कैसे हैं? बोले वो वेदाब्ज भास्कर है। व्यास जी का आप सेवन करो, व्यास जी को वंदन करो, व्यास जी को पढ़ो, व्यास साहित्य का आप स्वाध्याय करो और आप के भीतर का वह वैदिक ज्ञान विकसित न हो ऐसा संभव ही नहीं है। ये वेदाब्ज भास्कर हैं, आपके अंदर ज्ञान रूपी कमल का विकास न हो, व्यास जी का दर्शन करके, व्यास साहित्य का स्वाध्याय करके आपके अंदर का ज्ञान रूपी कमल ना खिले ये संभव ही नहीं। तो वेदाब्ज भास्करम वंदे, नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे, विशाल बुद्धे, ऐसे व्यास जी। तो वेद रूपी कमल के लिए सूर्य रूप ऋषि है, शम आदि के आश्रय, संपूर्ण लोक के, संपूर्ण संसार के, संसार के समस्त जीवों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर, सर्वलोक हिते रतम। गीता में भी सर्वलोक हिते रताहा, संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। व्यास जी का श्री विग्रह सर्वलोक हित में लगा हुआ है, उनका एक एक पल, उनकी प्रत्येक चेष्टा सर्वलोक हित के लिए है। तो ऐसे मुनिवर कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की मैं वंदना करता हूं। कृष्ण को वंदन, कृष्ण द्वैपायन को वंदन, और फिर स्वंत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा क्यों कर रहा हूं? ये नाना पुराण निगमागम सम्मत जो बात है, रामायणे निगदित है, अन्यत्र भी जो बातें कही गई है अन्य ग्रंथों में, उन सब का मैं पुनः यहां संपादन करके उसको भाषाबद्ध कर रहा हूं
लोक बोली में लिख रहा हूं तुलसीदास जी कहते हैं, तो क्यों बोले स्वांत सुखाय, प्रयोजन तो होना चाहिए ना, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के तो मूर्ख भी कुछ नहीं करता, तो प्रयोजन तो होना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगा आद्य शंकराचार्य भगवान, फिर यहां जो तीसरा श्लोक है तो उसमें उस प्रयोजन की स्पष्टता करते हैं। सहस्रमूर्ते हे पुरुषोत्तमस्य सहस्र नेत्रानपाद बाहो सहस्र नाम नाम स्तवनम प्रशस्तम निरुच्यते जन्म जरादि शांत्यै। सहस्र नेत्र, सहस्र नामावली है, और इसका तात्पर्य नहीं कि भगवान के केवल नाम सहस्र ही हैं, सहस्रों हैं। सहस्र का अब तो आपको अर्थ समझ में आ ही गया है सबको, सहस्र माने थाउजेंड, बट इट्स नॉट ओनली थाउजेंड, इनफैक्ट इट इज थाउजेंड्स, सहस्रों। नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये, इसलिए पहले अनंताय, नमोस्तु कैसे सहस्रमूर्तये, तो वहां सहस्र का अर्थ है सहस्रों। सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे, सहस्रपाद अक्षि शिर उरु बाहवे, हम लोगों ने कथा में कई बार चर्चा करी ना कि वहां भगवान हजार मस्तक वाला, इसका तात्पर्य हजार नहीं होता, क्योंकि हजार मस्तक हो तो फिर 2000 हाथ वाला होना चाहिए, 2000 नेत्र वाला होना चाहिए, तो अक्षि शिर बाहु ये सब हजार हजार, मतलब वहां तात्पर्य हजारों। सहस्र शीरखा परुखा सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिघुं सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठत्शांगुलम्, तो हजारों मस्तक हैं जिनके, हजारों नेत्र है, हजारों सिर इत्यादि। तो यहां बहुवचन में लेना, हजारों 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 अनंत। तो विष्णु सहस्र नाम में भी जो हजार नाम है तो वो हजार ही है, ऐसी बात नहीं, इसमें हजार का संपादन किया है, इकट्ठा करके लिखा है। और ध्यान से पढ़ोगे आप और हम आगे आगे जैसे यात्रा में बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि उन हजार नाम में भी कई नाम तो रिपीटेडली आए हैं, कई नामों का रिपीटेशन है। तो कोई दो बार आया, कोई तीन बार आया, चार चार पांच पांच बार आए हैं नाम। और इस तरह से यदि देखा जाए तो हजार से भी कम हो जाएंगे, फिर तो उस रिपीटेशन को यदि हटाया जाए तो हजार से कम हो जाएंगे। तो यहां कम या अधिक की बात नहीं है, यहां सहस्रों, उनका कोई नाम नहीं है और सब नाम उन्हीं के हैं, उनका कोई रूप नहीं है, उनका कोई नाम नहीं है और तथापि सब नाम रूप उन्हीं के हैं। जो हम लोग अभी वो सायं चर्चा कर रहे हैं आरती के पश्चात, तो विरुद्ध धर्माश्रय है, सारी उल्टी उल्टी बातें एक साथ इस परम तत्व में परमात्मा में रहती है। तो अणो रणियान महतो महियान, तो इसमें भी हम अलग अलग इसी प्रकार के विरुद्ध अर्थ वाले भाव वाले नाम देखेंगे। ये शब्दातिगह भी है, शब्द सह भी है, ऐसे ऐसे नाम देखेंगे विरुद्ध विरुद्ध अर्थ वाले। तो सहस्र का अर्थ है, तात्पर्य है सहस्रों।
तो सहस्रो नेत्र सहस्रो मुख पाद भुजाओं वाले सहस्र मूर्ति श्री पुरुषोत्तम भगवान के सहस्रो नामों के इस परम उत्तम स्तवन की यानी विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र की व्याख्या की जा रही है। आद्य शंकराचार्य कह रहे हैं व्याख्या की जा रही है क्यों जन्म जरादि शांति आई जन्म और जरा आदि की शांति के लिए जैसे वहां स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा तो यहां कहते हैं जन्म जरादि शांति आई जन्म और जन्म के बाद जो फिर अवस्था जिंदगी की यात्रा में आगे बढ़ते 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 जो अवस्थाएं आती हैं और बीत जाती हैं बाल्यावस्था है युवावस्था है प्रौढ़ावस्था है फिर जरावस्था है जरा बुढ़ापा तो जवानी तो सबको अच्छा लगता है बाल्यकाल भी आनंद लिया हम लोगों ने ठीक है लेकिन जरा आदि सब अवस्था क्योंकि जन्म है जन्म के द्वारा जंतु संज्ञा प्राप्त हुई ना मानव भी जंतु ही है जन्म के द्वारा जायते इति जंतु संज्ञा प्राप्त हुई और फिर उसके साथ अवस्थाएं जुड़ गई अब शरीर है तो उसकी अवस्थाएं चेष्टा वाली अवस्था भी हो सकती है और निश्चेष्ट अवस्था भी हो सकती है जागृत अवस्था भी हो सकती है स्वप्नावस्था भी हो सकती है निद्रावस्था भी हो सकती है सब अवस्थाएं तो अवस्था शब्द की जब बात हम करते हैं तो केवल युवावस्था या प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था ही नहीं लेना चाहिए मुझे लगता है ये वाली जो सब अवस्था है जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय ये भी सब अवस्था ही है और जैसा कि हमने बताया कोई चिंताग्रस्त होता है तो वो भी उसकी एक अवस्था है क्योंकि वो उसमें अवस्थित है कोई प्रसन्नता में है तो उसमें अवस्थित है लेकिन जन्म मरण जरा इत्यादि वो दुखावस्था है वो सब पसंद नहीं आने वाली तो वो वाली जो बातें हैं उसकी शांति के लिए निश्चित रूप से भगवान का ये जो नाम है ठाकुर जी का नाम है वो आपके ऊपर कृपा करने वाला है। अरे प्रणाम कर लो तो भी दुख का शमन हो जाता है प्रणामो दुख शमन तो वो तो बाद वाले चरण में हम बोलते हैं लेकिन पहले तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम पाप के चलते ही सारे ताप है दुख है जरा जन्म दुखौघ क्या है तातप्यमानम जरा जन्म दुखौघ तातप्यमानम तो जन्म जरादि शांत्यई और मुक्ति तो हो ही जाएगी वो फलश्रुति जो अंत में है उसमें व्यास भगवान बतलाते ही हैं और जरा वृद्धावस्था यानि अशक्ति असामर्थ्य असहाय अवस्था परावलंबन इत्यादि सभी समस्याओं की शांति के लिए निश्चित रूप से भाई देखो भगवान का नाम यदि अमृत है तो ये अमृत देवताओं ने पिया तो देवता कहां बूढ़े हो रहे हैं जहां है वहां है
उम्र चाहे जो भी हो, ब्रह्मा जी की उम्र अभी 51 की, अभी हम लोग जो ब्रह्मा जी को दिखाते हैं उसमें चतुर्मुख ब्रह्मा और उनको बहुत बूढ़े दिखाते हैं, फिल्मों में भी, टीवी सीरियल्स में भी और चित्रों में भी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की मूर्ति हो ना तो उसमें ब्रह्मा जी बूढ़े, उसके बाप के बाल सफेद नहीं है भगवान विष्णु उनके बाल सफेद नहीं है, और ब्रह्मा को उम्र दिखने लगी, वो बूढ़े बताए जाते हैं उनके बाल सफेद। मुझे कभी कभी सोचता हूं तो आश्चर्य होता कि बाप बूढ़ा, बेटा बूढ़ा और बाप तो जवान दिखता। भगवान नारायण वैसे कंपैरेटिवली देखा जाए तो एकदम फ्रेश जवान। वो एक फिल्म कौन सी आई थी अभी जिसमें अमिताभ बच्चन भी थे और नहीं वो उनका बेटा वो बूढ़ा हो जाता है और बाप उस उम्र में भी एकदम जवान की तरह वन जीरो वन नॉट आउट। तो ब्रह्मा जी, अब वैसे भी शास्त्रों के आधार पर देखा जाए तो वर्तमान समय में जो ब्रह्मा जी है उनकी आयु का द्वितीय परार्ध चल रहा है, ये हमने भागवत में भी चर्चा करी थी। 51वां साल लग गया, वन प्रवेश किया है निश्चित रूप से, तो 51 में भी सभी लोगों की दाढ़ी इतनी तो सफेद नहीं हो जाती जितनी चित्रों में बताई जाती है। और ब्रह्मा जी वो तो बिल्कुल, जिनके चारों मुख में चार वेद हैं, जिन्होंने विधि का स्थापन किया है, वो स्वयं विधि रूप है ब्रह्मा जी, जिनके मुख से कभी झूठ निकला नहीं, उनकी वाणी कभी झूठ असत्य भाषण करती नहीं। श्रीमद् भागवत का ही दर्शन है ना। और ऐसे ब्रह्मा जी केवल 51 साल की आयु में इतने बूढ़े हो जाएं तो बात बुद्धि में बैठती नहीं। इस बुद्धि के देव भी ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यार मुझे ऐसा क्यों बता रहे हो, ठीक है दाढ़ी बढ़ाई है तो उसके दो चार बाल सफेद हो जाएं। हालांकि 51 साल में तो ब्रह्मा जी के भी बाल सफेद नहीं होने चाहिए, जिस संयम के साथ, जिस वेद मर्यादा के साथ जिन्होंने उस वेद मर्यादा का स्थापन किया और उसी के अनुसार जीने वाले रहने वाले ब्रह्मा जी इतने भी बूढ़े नहीं होने। हाँ, अनुभवी की दृष्टि से देखा जाए तो ठीक है, उसका एक अर्थ ये करें कि भाई बहुत अनुभवी, कहते ना हमने बहुत दिवाली देखी है, तो जी हमणा उगी ने उभो थाज है तारा करता हमें जाजी दिवाली जो है भाई, वो अनुभव की बात, वो बात अलग है। नहीं तो अच्छा, हमने एक एक व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई थी कुछ साल पहले, तो अच्छे योगी यानी योगासन करने वाले गृहस्थी, वैसे तो पैंट शर्ट में ही थे और ही वॉज एकदम फिट, इंसर्ट किया हुआ था, बेल्ट लगाया हुआ था, छाती पेट बाहर नहीं निकला था, छाती बाहर थी, बाल सफेद पूरे काले, तो योगी थे। तो मुझे किसी ने बताया कि इनके ये जो बाल है ना काले, ये नेचुरल है। ठीक है, मुझे लगा कि 50-52 की उम्र होगी। मैंने पूछा कि आपकी क्या उम्र है, बोले आप हंसोगे और या तो मुझे झूठा मानोगे। मैंने कहा नहीं नहीं बता, बोले हम 84। इतने फिजिकली फिट। मैंने कहा सच बताइए, ये बाल
बोले कोई मुझे मानता नहीं, मैं सौगन खा करके कहता हूं नेचुरल काले। तो इस कली काल में यदि 84 साल की उम्र का कोई व्यक्ति इतना फिजिकली फिट और नेचुरल काले बालों वाला हो सकता है, हम मिले हैं, मेरे से भी 20 साल बड़े थे। तो ब्रह्मा जी तो 51 साल उनके हिसाब से, हम लोगों ने चर्चा करी थी भागवत में, एक कल्प का दिवस ब्रह्मा का, एक कल्प की रात्रि, और इस तरह से 360 दिन यानी 720 कल्प का एक साल ब्रह्मा जी का, और ऐसा 100 वर्ष का ब्रह्मा जी का आयुष्य, और वर्तमान जो ब्रह्मा है उसकी आयु का 50 साल पूरा हो गया है, 51वां साल चल रहा है। तो 51वें साल में ब्रह्मा जी की दाढ़ी पूरी सफेद हो जाए, बाल सफेद हो जाए, तो पता नहीं टीवी सीरियल वालों के डायरेक्टर्स को कभी उसके साथ चर्चा होगी, आपको क्या समस्या है, उनके बाल थोड़े काले दिखाओ तो क्या प्रॉब्लम है, ही इज ओनली 51 भाई, और वो भोगी नहीं है हमारे जैसे, प्रजापिता विधि है। तो ऐसे संयमी जिनकी वाणी सदा सत्य का ही उच्चारण करती है, भगवान में जिनका पूरा भरोसा, ऐसे ब्रह्मा जी जरा। तो ब्रह्मा विष्णु में, विष्णु विष्णु के नाभि के कमल से उद्भूत ब्रह्मा और उनकी भ्रुकुटी से रुद्र, ये श्रीमद् भागवत में कथा है। तो जरा मरणादि या तो जन्म जरादि की शांति के लिए भगवान के इन विष्णु सहस्त्र नाम को उठाकर उनकी व्याख्या करता हूं। जन्म जरादि शांति, आद्य शंकराचार्य जी के जीवन को यदि देखें तो बिल्कुल ये बात सिद्ध हुई है ना, न फिर जन्म न जरा, केवल 32 साल की आयु कालड़ी में दक्षिण में प्रकट हुए आद्य शंकराचार्य, और भारतवर्ष की 2 बार तो पूरी परिभ्रमण वाली यात्रा करी, और श्री कृष्ण के पश्चात संपूर्ण इस भारत खंड को किसी ने प्रभावित किया तो गौतम बुद्ध ने, और गौतम बुद्ध के बाद यदि फिर से किसी एक पुरुष ने जबरदस्त प्रभाव डाला तो आद्य शंकराचार्य जी। श्री कृष्ण 125 वर्ष पर्यंत इस धराधाम पर विराजे, उनका श्री विग्रह धराधाम पर 125 वर्ष पर्यंत, और गौतम बुद्ध भी लंबा जिए, और ये केवल 32 साल, जरा उन्होंने देखी ही नहीं, बुढ़ापा देखा ही नहीं, और ऐसे ज्ञानी महापुरुष ज्ञान की दृष्टि से तो फिर कहां जन्म है, वो तो मुक्त ही है। हाँ, भक्ति की दृष्टि से भले ही आद्य शंकराचार्य परम्परा भगवती से कहें कि न मोक्षस्य आकांक्षा भव विभवांछा पिचन में, लेकिन कई बार हम लोगों ने कथाओं में भी चर्चा करी है कि मुक्ति का अर्थ फिर दूसरी बार जन्म होता ही नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुक्ति का अर्थ है नहीं आने के लिए भी वो मुक्त है, और यदि फिर से वो आना चाहे तो आने के लिए भी वो मुक्त है, और जब ऐसा मुक्त पुरुष फिर आना चाहे तो फिर वो मां बाप सिलेक्ट करने के लिए भी मुक्त है, किस योनि में मुझे जाना है
वो नक्की करने में भी वो मुक्त है, वो तो निज इच्छा निर्मित तनु। जैसे भगवान भी, भगवान के लिए जिस प्रकार आने की बाध्यता नहीं है तो नहीं आने की भी बाध्यता नहीं है, क्योंकि ये दोनों पारतंत्र हो जाएगा, उसमें आप फिर मुक्त नहीं रहते। अब आप नहीं आ सकते, तमारू छेल्लू थई गयो, तमारो मोक्ष थई गयो। अरे पण मने इच्छा छे तो पाछो जन्म लेव न थाय पूरु, तो वो तो पारतंत्र हो गया, उसको मुक्त कैसे कहेंगे? तो मुक्त का तात्पर्य है, देखो ये कारागृह जो होता है जेल, तो उसमें बाहर वाला कोई अंदर जाने के लिए भी मुक्त नहीं है, पहरा लगा हुआ होता, और कोई परिवार वहां पति पत्नी दो तीन बच्चे और वहां पहुंच जाए जेल के दरवाजे पर, और वहां संतरी जो पहरा दे रहे हैं वहां जाकर वो खड़े हो जाए, तो वो लोग कहते क्या है भाई आगे बढ़ो, जेल जो आएगा जी अमर जेल जो भी दरवाजो खोलो अमर जो उसे जेल के वे, तो बोला कि जाओ जाओ आ गए, होटल न थी, गार्डन न थी, ये कारागार है, कोई अंदर जाने के लिए भी मुक्त नहीं है, और अंदर वाले बाहर जाने के लिए मुक्त नहीं है। तो एक बार तुम बैंकुंठ पहुंच गए या तो मुक्त हो गए, फिर तुम वापस आने के लिए मुक्त नहीं हो, तो फिर यहां की जेल से वहां की जेल में मुक्त कहां हुए? ट्रांसफर हुए। जो यहां वाले पुलिस जिस तरह से एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर करती है कि येरवड़ा जेल में थे वहां से आर्थर रोड जेल में ले आया मुंबई की, या तो मुंबई की आर्थर रोड जेल में था उसको येरवड़ा में ट्रांसफर किया, पूना में ट्रांसफर किया, ये तो ट्रांसफर हो गया, मुक्ति कहां हुई? तो नहीं आने के लिए भी मुक्त है, और यदि आना चाहे तो आने के लिए भी मुक्त है। और ऐसे जो मुक्त महापुरुष होते हैं, ऐसी जो मुक्त चेतनाएं होती है, वो कभी कभी करुणा से भर जाती हैं, वापस आ जाते हैं, और फिर भगवान की तरह वो गर्भ नक्की करते हैं। कहां किन मां बाप से कहां प्रकट होना है, वे मुक्त है। तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ, इसलिए कहा गया कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ परमेश्वर। तो भगवान आद्य शंकराचार्य वो तो मुक्त है ही है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त। तो जरा जन्म दुखौ गता तप्यमानम, जो भगवान शंकर की आराधना में हम स्तवन में कहते हैं, तो यहां शंकराचार्य जी कहते हैं जन्म जरादि शांत्यै निरुच्यते। तो जरा भी नहीं है और जन्म भी नहीं है, यहां जन्म का तात्पर्य एक बंधन से है। तो आद्य शंकराचार्य जैसे महापुरुष जो मुक्त हो गए हैं, तो वहां बंधन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं, नहीं आना है तो नहीं आवे, आना है तो आवे, कोई बाध्यता नहीं।
आना चाहे तो आ भी सकते हैं, नहीं आना चाहे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो देखो दोनों से मुक्त हो गए ना, दोनों की शांति हो गई ना, जन्म जरा और जरा से जुड़े हुए फिर जैसा हमने सब दुख है समस्या है जरा आदि सब की शांति के लिए भगवान पुरुषोत्तम के सहस्र नामों के उस उत्तम स्तवन की व्याख्या की जा रही है। कहते हैं भगवान आद्य शंकराचार्य कालड़ी में केरल में प्रकट हुए और 7-8 वर्ष की उम्र में तो क्या प्रतिभा प्रकट हो गई। वो पाठशाला में पढ़ते थे, शायद हम लोगों ने कथा में ही चर्चा करी थी कि अभी तो पाठशाला में पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी है, ऋषि कुमार है और उस बुढ़िया के यहां भिक्षा के लिए गए और भिक्षाम देही करके खड़े हो गए और उस बुढ़िया माई के घर में इस ब्रह्मचारी को देने के लिए कुछ नहीं था, गरीब सी बुढ़िया। तो ब्रह्मचारी सन्यासी इस तरह से आवे, खाली हाथ तो नहीं लौटाना चाहिए। तो एक आंवला, सूखा हुआ आंवला घर से मिल गया। भाई दिव्य ये इंडिया का ये जो समय है वो आंवला उसका सीजन है और इस समय में उसका सेवन हो, च्यवनप्राश बनाया जाता है ना, इसलिए इन्हीं दिनों में आंवला ऐसा फल है, उसके बहुत गुण है, बहुत गुण है शरीर के आरोग्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो वो आंवला सूखा हुआ कहीं रह गया होगा, पड़ा था, सूख गया था। तो सूखा आंवला मिल गया घर में से, झोंपड़े से, तो बुढ़िया गरीब माई वो सूखा वाला आंवला लेकर के बाहर आई और इस ब्रह्मचारी ऋषि कुमार को उसकी भिक्षा दे दी। और फिर भगवान आद्य शंकराचार्य ने अपनी उस अवस्था में, विद्यार्थी अवस्था में, ब्रह्मचर्य अवस्था में प्रसन्न होकर के जो स्तोत्र स्तवन किया है और कनक धारा हुई, तो कनक धारा स्तोत्र की रचना। अब ऐसी जिनकी प्रतिभा वो खिली जाती है साहब, बिल्कुल खिल जाती है। आजकल के समय में आपने वीडियो, ये यूट्यूब पर ऐसे ऐसे कई वीडियोस, ये कभी कभी मेरे बच्चे दिखाते हैं मुझे, छोटे छोटे बच्चों की, और ये क्या टीवी के ये जो रियलिटी शोज आते हैं, अमेरिका हैज गॉट टैलेंट और ये ब्रिटेन हैज गॉट टैलेंट एंड समथिंग समथिंग, भारत में भी ऐसे कई रियलिटी शोज आते हैं, 6-6, 7-7, 8-10 साल के बच्चे, हे भगवान, जो गाते हैं, जो डांस करते हैं या जो बजाते हैं, अपने देख मारो कमाल से ननकुड़ा अन आ प्रतिभा। घनी वार 55-55 वर्षी ताल में ताली पाड़ता न फावे, घना ने आखू गाम ताली पाड़ी ले, पछी धीमे थी आ लेण थाय। एक हथेड़ी पर बीजी हथेड़ी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम, काई मेल पड़े लईने ने ने काई संबंध ज नहीं। और ये छोटे छोटे बच्चे क्या लय, क्या ताल, क्या प्रतिभा, क्या सुर लगाते हैं, हे भगवान, पूरा ऑडियंस खड़ा हो जाता। तो प्रतिभा तो छिपी नहीं रहती, प्रकट हो जाती है। और फिर वहां से जो चल दिए उत्तर की ओर यात्रा करते 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 आद्य शंकराचार्य पहुंचे नर्मदा जी के तट पर, वहीं ओमकारेश्वर के आसपास में, और वहां भगवत गोविंद पाद सदगुरु की शरण में रह करके फिर वहां अध्ययन करते करते, जरूरत तो पड़ती है। हम कहते हैं भगवान आद्य शंकराचार्य
साक्षात शंकर अवतार मानते हैं हम, लेकिन बिन गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई बिरा। दुनिया को वो गुरु शिष्य परंपरा का दर्शन कराने हेतु भी ऐसी प्रतिभाएं, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। कृष्ण बलदाव भी उज्जैन गए सांदीपनी ऋषि के आश्रम में, तो ये भी गुरु के पास गए। और फिर कहते हैं कि स्वाध्याय करते करते गुरु की सन्निधि में सब विद्या का संपादन करते करते, साधन साधना करते करते, कभी कभी वो जो स्वाध्याय करते थे उसमें से कुछ उनको अच्छा लगता था वो रोज लिख लेते थे। एक आपने नहीं बोर्ड रखी है, घनी बार छोकरा हवा नहीं सूत्र लगता वेला उठी ने नोटिस बोला सारू सूत्र लखे। ऐसा कहा जाता है कि ये भी लिखते थे इस तरह से, ये विनोबा जी कहते हैं उनके उसमें कि रोज लिखते थे, अपने नहीं ट्वीटता हवरनापुर में। अब गूगल नेम भी है और गूगल वर्ब भी हो गया है ना, जैसे गूगल इट, तो अपने ट्वीटवू हवर पड़े, ट्वीटवू पड़े एक सूत्र, तो कुछ ना कुछ सूत्र उसके ऊपर लिख लेते हैं। उसमें भी कौन सा वो है सोशल मीडिया कि मेरी वॉल पर ये लिखा है, ऐसा कहते हैं ना कि इसमें फेसबुक में है ऐसा, हाँ फेसबुक में। तो ये कुछ ना कुछ लिखते थे सूत्र, तो कहते हैं सरस्वती मिटा देती थी उनका लिखा हुआ, उसको सरस्वती माता मिटा देती थी, भूई ना खे सरस्वती जी भूई ना खे। बोलो फिर एक बार उन्होंने विष्णु सहस्र नाम, क्योंकि पाठ करते होंगे, देखो भाई आपको जो पसंद होता है वही आप दूसरों को करने के लिए साधारणतया बोलते हैं, आपको जो चीज खाने पीने में पसंद है वो आप दूसरे को खिलाते हैं, मने संभारा रींगणा बटेटा नु शाक भावे एटले हूं तमने एम कहू खाओ खाओ, आ बहु सरस, तमे जम्मा आवो त्यारे तमारा माटे ई बनावू, એમ માનીને કે તમને ભાવશે, નોય ભાવતું હોય, લેકિન એસા હોતા હૈ, અપને કો જો ચીજ પસંદ હોતી હૈ હમ દૂસરો કો ઓફર કરતે હૈ, હમને જો આનંદ લિયા હૈ ઉસકે લિયે હમ દૂસરો કો ભી કહેતે હૈ કે આપ કરો આનંદ આયેગા। તો જબ આદ્ય શંકરાચાર્ય ભગવાન ને યે કહા કે ગેયમ ગીતા નામ સહસ્રમ, તો કોઈ કારણ હોગા ના, ઓર કારણ યહી કે ઉન્હોને યે કિયા હૈ, नित्य गीता का पाठ, नित्य विष्णु सहस्र नाम का पाठ, उनका आनंद लिया है उन्होंने, इसलिए कहा है गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूप मजस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय चित्तम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुःखं करणे। गेयम गीता नाम सहस्र, गीता और विष्णु सहस्र नाम, इसका रोज पाठ करो, गायन करो, ये गाने योग्य है, पाठ करने योग्य है, गुनगुनाने योग्य। तो वहां पढ़ते थे गुरु जी की सन्निधि में वहां रहकर, तब से ये नियम बना हुआ है, या तो उन्होंने इसका आनंद लिया है। अब देखो हमारे ऋषि कुमार जो यहां पढ़ते हैं, लंबा वेकेशन हो गया उनके लिए, और जैसे सभी विद्यार्थियों का हो गया, अभी फोन आ रहे हैं सबके, कब ये कोविड वाला पूरा हो जाएगा, जिन जिन की सेवा होती है वो लोग उनको बुलाया जाता है, बहुत थोड़े लोग, क्योंकि हॉस्टल तो खुला नहीं है, खोल सकते नहीं है,
केवल वैश्वदेव इत्यादि के लिए और जो ऋषि कुमार यहाँ रहते हैं वही है। तो अब क्या हो गया है इतने महीनों के बाद कि वो यहाँ के भाखरी और मूंग मिस करते हैं क्योंकि वो सबका पसंदीदा भोजन है उनका, तो भाखरी और मूंग वाला वो मिस करते हैं। या कौन वाला आलू मटर वाली सब्जी यहाँ की, वो बड़ी इनकी फेवरेट है, तो वो मिस करते हैं। तो इसलिए फोन करते हैं अब यहाँ वालों को और कि भाई नेक्स्ट जो बारी आए सेवा में आने की तो उसमें हमारा नाम लिख लेना हम आना चाहते हैं। अब मिस हो रहा है सब, और जो मिस हो रहा है उसमें ये भाखरी और मूंग भी मिस हो रहे हैं क्योंकि वो खाते खाते जो आनंद लिया है तो मिस होगा। तो आद्य शंकराचार्य जी ने भी वहां नर्मदा के तट पर गुरु जी के आश्रम में पढ़ते पढ़ते ये आनंद लिया है, गीता का, विष्णु सहस्र नाम का। अब जब हम पढ़ते थे तो देखो प्रातः काल की प्रार्थना में हम आत्म शतक का गायन करते थे और सायं प्रार्थना में षटपदी का, तो कंठस्थ भी है और आज भी याद आता है कि जब सुबह वाली प्रार्थना हो तो चिदानंद रूप शिवो हम किया जाए, और सायं वाली प्रार्थना हो तो अभिनयम अपनय विष्णु दमय मनः शमय विषय मृग तृष्णाम भूत दयाम विस्तारय तारय संसार सागरत, ये याद किया जाए। तो आद्य शंकराचार्य ने जो कहा गेयम गीता नाम सहस्रम, तो कोई कारण है, ये पाठशाला वाली भाकरी और मूंग है उनके लिए, उन्होंने खूब आनंद लिया है और इसलिए दूसरों से भी अनुरोध करते हैं कि ये करो ये गाओ। तो विष्णु सहस्र नाम पर जब उन्होंने लिखना शुरू किया बोर्ड पे तो सरस्वती ने वो नहीं मिटाया, नहीं तो सरस्वती मिटा देती थी, ये जो भी लिखते थे सरस्वती मिटा देती थी, लेकिन विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र पर कुछ उन्होंने लिखा, एक ट्वीट बे ट्वीट त्रण ट्वीट जो भी, तो उसको सरस्वती ने पता नहीं है, वो मिटाया नहीं। के मां ट्विटर वाला तो एवं रीतनु कहीं हो विवादास्पद तो तमे काढ़ी नाखो हटावी दो ट्विटर, नहीं तो ओला लोग एने पोलो कर नाखे। तो पता नहीं क्यों सरस्वती माता क्या चाहती थी कि बाकी जो कुछ लिखते थे मिटा देती थी, लेकिन ये विष्णु सहस्त्र नाम पर जब उन्होंने लिखा तो सरस्वती ने नहीं मिटाया। और फिर गुरु ने भी आदेश दिया कि इसके ऊपर कुछ लिख कर लाओ, कुछ काम करके आओ, तुम्हारे जो विचार है उसकी व्याख्या करो। और जब वहां पढ़ते पढ़ते गुरु की सन्निधि में साधन भजन करते करते आद्य शंकराचार्य ने सबसे पहले ये विष्णु सहस्त्र नाम पर व्याख्या करनी शुरू करी और गुरु जी को ला करके दिखाते और गुरु जी बड़े प्रसन्न होते, वाह बहुत। इसलिए आप शंकर भाष्य में शुरुआत के प्रारंभ के उसमें देखो क्या अद्भुत लिखा है, श्रुतियों को उद्धृत किया है, पुराणों से बातें उद्धृत करी हैं और विस्तार से उन्होंने एक ऐसी भूमिका तैयार करी है। तो कहते हैं सहस्र नाम नाम स्तवनम प्रशस्तम निरुच्यते जन्म जरादि शांत्यै, जन्म जरा आदि की शांति के लिए इस उत्तम स्तवन की व्याख्या की जाती है। तो शंकर भाष्य की तरह अन्य कई आचार्यों ने भी व्याख्या करी है और जैसा कि हमने आपको बताया वर्तमान समय के भी कई ऐसे संतों ने, महापुरुषों ने, विद्वानों ने और चिंतकों ने भी इसकी व्याख्या की है। तो गीता की तरह विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र भी लोगों को आकृष्ट करता है, कुछ बोलने के लिए प्रेरित करता है कि भगवान का नाम बोलते 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 पाठ करते करते उन नामों के ऊपर कुछ चर्चा करी जाए। तो आओ
हम लोग भी शुरुआत करते हैं भगवान आद्य शंकराचार्य का हाथ थाम करके, उनकी उंगली पकड़ करके। वो हमारा बाप है, गुरु हमारा बाप होता है, सब कुछ होता है। तो उनकी उंगली थाम करके और अन्य अन्य आचार्यों और चिंतकों का भी साथ संग लेते हुए, जय श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तो इन सभी संतों का साथ लेते हुए, उनका संग करते हुए हम एकादश दिवसीय सत्संग की यात्रा करेंगे। आइए, जैसा कि आज भी आप लोगों ने पहले पाठ किया, रोज पहले प्रारंभ में 3:30 बजे से, आज थोड़ा सा लेट हुआ होगा पाठ, लेकिन प्रवचन के प्रारंभ में सब लोग विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। वैसे आज पूर्णावती हो जाएगी वो चातुर्मास वाले नियम की, लेकिन वैसे यहां चालू रहेगा 11 दिन और। अब एक बार शुरू किया तो जल्दी फिर बंद करने की, छोड़ देने की इच्छा नहीं होती कि चलो थोड़ा और। जैसे सुबह वॉकिंग में निकलते हैं तो 2 किलोमीटर चल लिया तो फिर मजा आता है, तो चलो थोड़ा और, आज थोड़ा 2.5 किलोमीटर चल रहे, इसी तरह बढ़ाते चले जाओ। एक्सरसाइज का समय भी धीरे 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 बढ़ाते चले जाओ। ये होता है ना कि आज इतना प्राणायाम किया तो आज थोड़ा और, आज इतना सूर्य नमस्कार किया तो थोड़ा और, तो 11 दिन और। और ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि तुलसी विवाह वाला समय है, और जो तुलसी चढ़ाई है ना पूरा महीना, उससे तुलसी माँ भी प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु भगवान नारायण के सहस्र नामों का रसास्वादन हम कर सकें, ऐसी कृपा बरसा रही हैं। तो वैसे तो रोज आप प्रारंभ में पाठ हमारे श्याम भाई और सभी ऋषि कुमार आप मिल करके, और आप सब लोग ऑनलाइन जितने भी जुड़े हैं, एक अवसर है शुद्ध उच्चार से साथ साथ पाठ करने का। तो ये साथ साथ पाठ करते करते हो सकता है कि फिर आप उसको कंटिन्यू भी करें, यदि ठाकुर जी ने ऐसी प्रेरणा करी तो। तो आओ प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्। वैशंपायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवम् पुनरेवाभ्यभाषत। एक एक चरण आप सब लोग गाइए आनंद है। श्रुत्वा धर्मानशेषेण, श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः, पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवम्, युधिष्ठिरः शान्तनवम् पुनरेवाभ्यभाषत, पुनरेवाभ्यभाषत। संवाद के रूप में ही है ये भी, महाभारत के अंतर्गत है। जैसे सत्यनारायण की कथा है तो वो भी किसी पुराण के अंतर्गत है। इति श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे। उसी तरह पंचरत्न वैसे है महाभारत में, उसमें से उद्धृत किए हुए, उसमें से एक ही है पंचरत्न जो महाभारत से उद्धृत किए जाते हैं, उनमें से भीष्मस्तवराज जैसे है, उसी तरह एक ये भी है विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र। युधिष्ठिर और वैशंपायन, ये वैशंपायन जन्मेजय और उसी के अंतर्गत संवाद में संवाद में संवाद, ऐसा होता है ना जैसे भागवत में भी सुत और शवनकादिकों का संवाद, तदंतर शुक परीक्षित का संवाद, तदंतर्गत विदुर मैत्रेय का संवाद इत्यादि, भरद्वाज और याज्ञवल्क्य का संवाद, और तदंतर्गत शिव पार्वती का संवाद,
तदंतर्गत काकभूषणी और गरुड़ जी का संवाद, एम घर मा घर एमा घर एमा एमा बसे दामोदर है। तो संवाद में संवाद में संवाद, और महाभारत में तो ऐसा बहुत है, बहुत ही है, इतनी ज्यादा उपकथाएं वगैरह है ना। हमारे कुछ विद्यार्थी ऋषि कुमार महाभारत तैयार कर रहे हैं, ठाकुर जी ने चाहा तो कभी उनके मुंह से महाभारत की कथा सुनेंगे। पूज्य अपने गोविंद देव गिरी जी महाराज ने यहाँ से हमें 9 दिन में महाभारत की कथा भी सुनाया था, बड़ा आनंद आया था। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं उपकथाएं, जब बोला बोला तो मैं कंप्यूटर ऊपर काम करता हो अन पछी एक वाला मत बीजी वेबसाइट खुली जाए मत पछा ओले पड़े जाओ ने ओले पड़े जाओ ने उन्नत था। तो अपने घनी बार कहीं गूगल करता होइए अने मई वाँचता होइए एमां वळी पाछो कंईक बीजू आवे तो वळी पाछा एना ऊपर क्लिक करिए तो वळी पाछा बीजे जता रहीए। तो महाभारत में ते एवा क्लिक करता करता क्या ना क्या पहुंची जाए, पछी पाछा पाछो आवू पड़े। तो इस तरह के संवाद में फिर भीष्म युधिष्ठिर संवाद उसके अंतर्गत है। तो दृश्य है कुरुक्षेत्र का, पितामह भीष्म शरशैया पर सोए हैं। उत्तरायण का पवित्र समय जब समीप आएगा तब इच्छावर्ती मृत्यु के मालिक ये देह त्याग करने वाले हैं। और श्रीमद् भागवत में भी हम ये कथा सुनते हैं प्रथम स्कंद में कि अंत समय में उनके दर्शन के लिए युधिष्ठिर आदि सब जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी साथ में है सारथी बनकर के, अनेक अनेक वहां ऋषि मुनि भी आए हैं अंतिम दर्शन के लिए। बड़ा सुंदर संवाद होता है। और तब विजय श्री को प्राप्त होने के पश्चात भी विषाद से घिरे हुए युधिष्ठिर, मुख पर प्रसन्नता नहीं है, भीतर कहीं पीड़ा है। ये विजय भी उनको पराजय मालूम हो रहा है। अनेकानेक सगे संबंधी अनेक वीरों का खून बहा है। जैसे वर्ल्ड वॉर होता है, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2, तो उस समय का वो वर्ल्ड वॉर वाला ही मामला हो गया था। बहुत वीर खत्म हुए थे, प्राय प्राय सभी राज्य के राजा या तो इस पक्ष में या तो उस पक्ष में शामिल हो गए थे। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2nd वर्ल्ड वॉर में बहुत ही कम कंट्रीज थे जो एकदम तटस्थ रहे थे, बाकी बहुत सारे शामिल हो गए थे उसमें युद्ध में। बहुत से वीर खत्म हो गए। युधिष्ठिर विजयी बने हैं, राजा बने हैं, लेकिन विषाद से ग्रस्त। और ये बात हम कथा में भी चर्चा करते हैं कि युद्ध से पूर्व विषाद हुआ अर्जुन को, युद्ध के पश्चात विषाद ने घेरा युधिष्ठिर को। इसलिए भगवत गीता इसी के अंतर्गत है, ये भी इसी के अंतर्गत। देखो महाभारत में क्या 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 रत्न है। इसलिए कहते हैं महाभारत में है वही सर्वत्र है, और जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं है। सब कुछ जैसे कह दिया गया है, ऐसा अद्भुत है महाभारत। भारत तैल पूर्ण नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। बड़ा अद्भुत दिव्य ग्रंथ है महाभारत। तो गीता भी उसी के अंतर्गत। तो पहले आई, फिर अब ये विष्णु सहस्त्र नाम। तो वो कृष्ण ने अर्जुन को
ये भीष्म ने युधिष्ठिर को, वहां भगवान उवाच और यहां भीष्म उवाच। वहां अर्जुन सुन रहे हैं जीव नर, और यहां विष्णु सहस्त्र नाम में युधिष्ठिर सुन रहे हैं यानी धर्म, स्वयं धर्म श्रवण कर रहा। तो जीव के विषाद को मिटाने के लिए तो भगवान है, लेकिन धर्म के विषाद को मिटाने के लिए भीष्म जैसे किसी महापुरुष की आवश्यकता होती है। तो विषाद से ग्रस्त युधिष्ठिर को पितामह भीष्म ने धर्मोपदेश किया, विभिन्न धर्मों का गायन। महाभारत में तो एकदम विस्तार से है, श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। तो उन धर्मों का श्रवण किया, श्रुत्वा धर्मान अशेषेण पावनानि च सर्वशः। राजा युधिष्ठिर ने, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए, यतो अभ्युदयः निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः, अतः धर्मान अभ्युदय निःश्रेयसोत्पत्ति हेतु भूतान। इहलोक में अभ्युदय और परलोक में भी निःश्रेयस की प्राप्ति हो, तुम्हारा कल्याण हो, उसके हेतु भूत विविध धर्म। देखो ये धर्म की व्याख्या कितनी कितनी विशाल है। दिस डेफिनेशन अप्लाइज टू शुड अप्लाई टू ऑल द रिलीजन्स, ऐसा कहना चाहिए। दिस डेफिनेशन शुड अप्लाई टू ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, और इस व्याख्या पर जो खरा उतरे फिट बैठे वही धर्म है, वही धर्म कहलाने के लायक है। स्मृतिकारों ने जो कहा यतो अभ्युदयः निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः, उन सभी धर्मों के विषय में सुना अशेषेण, कुछ बाकी नहीं छोड़ा, सभी धर्मों के विषय में सुना युधिष्ठिर ने भीष्म से, और सब प्रकार से सुन करके और समझ करके कि अभी तक ऐसा कोई धर्म नहीं कहा गया जो सकल पुरुषार्थ का साधक और सुख संपाद्य यानी अल्प प्रयास से ही सिद्ध होने वाला होकर भी महान फल वाला हो। ये सत्यनारायण की कथा में भी यही बात हम सुनते हैं कि जब देवर्षि नारद ने देखा कि पृथ्वी के सब लोग बड़े दुखी हैं, एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्त्य लोकम उपागत ततो दृष्ट्वा जनान सर्वान नाना क्लेश समन्वितान। और सब लोगों को दुखी देखा पृथ्वी पर तो नारद जी बड़े दुखी हो गए। संत है ना, साधु है, संत हृदय नवनीत समाना, दुखी हो गए। और फिर केनो पायेन चैतेषां दुख नाशो भवे ध्रुवम, किस प्रकार से इन पृथ्वी के सभी लोगों का दुख दूर हो जाए। अगर दूर हो जाए तो दूर हो जाए, फिर से पैदा नहीं होगा। इति संचिंत्य मनसा विष्णु लोकम गतस्तदा। नारद जी विचार करके विष्णु लोक में गए, भगवान विष्णु का दर्शन किया, भगवान को प्रणाम किया। और फिर देखो हमारी कितनी चिंता है नारद जी को, यानी हम पृथ्वीवासियों की कितनी चिंता है। हम लोग तो दुखी होकर केवल रो रहे हैं, हम सोच भी नहीं रहे हैं कि हमारे दुख का कारण क्या, आटला हैरान था यानु कारण हो जाए। वो भी ठीक से सोचने का हमारे पास अवसर नहीं, बस तुम आंसू बहाते जा रहे हैं, शिकायत पे शिकायत पे शिकायत करते जा रहे हैं और मांगते जा रहे हैं।
ભગવાન ને હેરાન હેરાન કરી નાખ્યા. આપણે આપણા લખણ સુધરતા નથી, સુકામ દુખી થઈએ છીએ, એ તરફ આપણું ધ્યાન જ નથી. નારદજી ચિંતા કર રહે હમારી, ભગવાન સે કહેતે હૈ ઇન સબકા પૃથ્વી પર જો લોગ રહે રહે ઉન સબકા દુઃખ કૈસે દૂર હો, કેનો પાય ન ચૈતે શામ દુઃખ નાશો ભવે ધ્રુવમ. ક્યા ઉપાય ઇસકા? તો ભગવાન કે પાસ ભી જબ જાતે હૈ ઓર ભગવાન સે પૂછતે હૈ કે કુછ બતાઈએ, સબ દુઃખી હો રહે હૈ, ઇનકે દુઃખ કા નાશ કૈસે હો જાય, ઓર પ્રભો એક બાત વિશેષ પ્રાર્થના હૈ, લઘુ પાય ન તદ્વદ, જો ભી આપ ઉપાય બતાઓ વો છોટા સા ઓર સુખ સાધ્ય હોના ચાહીએ. પછી તમે એમ કયો કે કામ કરો, તમે છે ને 1000 વર્ષ નો યજ્ઞ કરો, બાપા હો વર તો મન કાઢતા નથી, અહીંયા પૃથ્વી ઉપર સોય ક્યાં પૂરા કરે, એ તો સહસ્ર સમમાસ વો શૌનકાદિ ઋષિ કરે, ઠીક હૈ 1000 વર્ષ કા યજ્ઞ. અરે 4-5 ઘંટા ચલને વાલા યજ્ઞ ભી બડા લગતા હૈ. લઘુ ઉપાય ન તદ્વત, કોઈ છોટા વાલા ઉપાય બતાઈએ જિસમે થોડે સે થોડા સમય લગે, થોડા સા હિ દ્રવ્ય લગે, થોડે સે હિ ઉપાય મે હોને વાલા, એસા કુછ સુખ સંપાદ્ય હોના ચાહીએ. ક્યા બઢિયા વાલા શબ્દ હૈ સુખ સંપાદ્ય, કરને મે કષ્ટ ન હો, એસા ઉપાય સામાન્ય આદમી ગરીબ આદમી ભી કર સકે. લઘુપાય ન તદ્વદ. તો ફિર વહા તો હમ કથા મે સુનતે હૈ સત્યનારાયણ કી કથા મે કે ભગવાન વિષ્ણુ ને કહા, સત્યનારાયણો વિષ્ણુ વાંછિતાર્થ ફલપ્રદ, ઇસલિયે સબસે કહો કે સત્યનારાયણ કા વ્રત કરે, સત્ય હી નારાયણ. ઓર ફિર ઉસકી વિધિ ભી બતલાઈ ભગવાન ને, ઉસકે લિયે ક્યા ક્યા ચાહીએ યે ભી બતાયા. और क्योंकि सरल बनाना था तो शक्कर ना मिले तो गुड़, हलवा बनाने के लिए रवा नहीं मिले तो गेहूं का आटा चलेगा, ऐसा बताया. सुख संपाद्य, कठिनाई ना हो करने में, લેકિન ઇતના ભી તો ચાહીએ ના, ચોકી લાની પડેગી, ઉસકે ઉપર સ્થાપન બિછાના પડેગા, વો સફેદ કપડા, ફિર ચાવલ લે આવો, ઉસકા અષ્ટદલ બનાવો, ઉસકે ઉપર કલશ સ્થાપન કરો, આંવ કે પત્તે યા આસો પાલો કે પત્તે લે આવો, જલ લે આવો, પૂર્ણ પાત્ર ઉસમેં ઠાકોરજી કા સ્વરૂપ પધરાવો, યા શાલિગ્રામ ભગવાન કો પધરાવો, પંચામૃત સે સ્નાન કરાવો, ચંદન અક્ષત પુષ્પ પુષ્પમાલા ધૂપ દીપ નૈવેદ્ય હલવા ઇત્યાદિ ઓર પકે હુએ કેલે, આરતી ઉતારો આદિ આદિ આદિ. સત્યનારાયણ કી પૂજા ભી કરતે હો તો બહુ સારી સામગ્રી, વૈસે લઘુ પાય ન તદ્વદ, છોટા સા ઓર સુખ સંપાદ્ય ઉપાય હૈ, જો કરને મે કષ્ટ ન હો, એસા છોટા સા ઓર ફિર ભી સબ કુછ મનોકામના કો પૂર્ણ કરને વાલા એસા હૈ, તથાપી ઉસમે કાફી કુછ કરના પડતા હૈ. તો યહાં युधिष्ठिर ने सब सुन लिया कि सारे धर्मों के विषय में सुना तो सही, लेकिन कोई अभी ऐसा उपाय नहीं मिला जो करने से सकल पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाए और वो सुख संपाद्य हो. अल्प प्रयास से सिद्ध हो जाए,
और तथापि उसका फल महान हो, उसका फल बहुत बड़ा, नहीं तो सस्तु मळे नहीं, घणी वार हारू ना हो, अने हारू हो सस्तु ना हो, सस्तु आपने तो मुझे सस्तु सारू टकाओ अपनी मांगणी वधी है, सस्ता हो, अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी का हो, टिकाऊ हो। अब तो वो चाइनीज माल ले आते हैं, वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, लेकिन फिर यूज एंड थ्रो। वो चुटकुला है ना, वो शादी करी एक आदमी ने, तो एक महीने के बाद उसका समाचार मिला कि भाई उसकी बीवी तो मर गई। अरे शादी हुई अभी एक ही तो महीना था और बीवी मर गई, तो बोले चाइनीज के साथ शादी करी थी। अब ये तो चुटकुला है, हमारी व्यासपीठ किसी जाति विशेष या देश विशेष के लोगों का इस तरह से वो नहीं करते, लेकिन इसका तात्पर्य है कि भाई उन वहां का जो प्रोडक्ट है, तो फिर वहां सस्ता लेने जाओगे तो वो वाली बात जाने दो, हम उसमें तो नहीं जाएंगे, वो हमारी व्यासपीठ को वो शोभा नहीं देता। ठीक है, चुटकुलों के हिसाब से लोग हंसते रहे, विनोद करते रहे, लेकिन सस्ता माल लेने जाते हैं तो दीपावली में वो जो क्या बोलते हैं सीरीज लाइट वाली, तो वो तो हमने बहुत अनुभव किया, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि एक बार दो बार ठीक से यूं टिमटिमाई जला, और दीपावली भी अभी पूरी नहीं हुई थी 5 दिन की, तब तक तो जय श्री कृष्ण हो गया, अब नहीं चल रही है, खराब हो गई, तो ऐसा तो होता है। तो इसलिए फिर हम स्वदेशी के ऊपर आ गए कि भाई गाय के गोबर से बनाए हुए दीप, और हमारी जो पुरानी परंपरा है दीपावली है, इस तरह से इसमें दीप जलाओ, और इस तरह से कई लोगों ने किया भी, और इस तरह से हमने गौ माता की सेवा भी हो जाती है, घर में वो पवित्रता भी रहती है, और इलेक्ट्रिक वाले भी हम करके शोभा के लिए हम कर लेते हैं, लेकिन रंगोली और रंगोली में तो इस प्रकार के दीपक हो, और ये कार्तिक के महीने में तो दीपदान की विशेष महिमा है। अभी देखो थोड़े ही दिन में वहां बनारस में तो एक एक घाटों पर इतने दीप जलाए जाएंगे, बड़ा अद्भुत दृश्य होता है काशी में। और दीपावली के दिनों में हमने अयोध्या को भी देखा टीवी के स्क्रीन पर, हजारों हजारों दीपकों से जगमगा रही अयोध्या का दर्शन हम कुछ वर्षों से कर पा रहे हैं। अयोध्या फिर सज धज के तैयार हो रही है, वहां 14 वर्ष के बाद रामलला भगवान श्री राम वापस पधार रहे थे, और यहाँ 500 साल के बाद, यानी 500 साल पूरे अभी नहीं हुए, लेकिन कुछ मिला के 500 के करीब साल के बाद फिर से रामलला अपने दिव्य भव्य देवालय में विराजित होंगे। तो रंगोलियां सजा के और दीप जला के हम राम जी के स्वागत की तैयारी में तो जुटेंगे। ठीक है, तो एक तो सुख संपाद्य हो, जो करने में कठिनाई नहीं हो, ऐसा कोई उपाय है, और उसका फल बहुत बड़ा, सस्तु सारू ने टकाओ, ऐसा तो ऐसा कोई उपाय मिले, ये कामना लेकर के फिर से पूछा युधिष्ठिर ने, किसको? शांतनवम, शांतनुसुतम, भीष्मम, उनको फिर से पूछा युधिष्ठिर ने, आओ गाओ। युधिष्ठिर उवाच, किमेकं दैवतं लोके, किमेकं दैवतं लोके,
ओ भाई आप सब लोग अपने अपने घरों में विष्णु सहस्त्र नाम लेकर बैठे हो ना, जूम वालों, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सब लोग सामने विष्णु सहस्त्र नाम लेकर के बैठना और साथ साथ गाना। अब जैसे उस कथा में हमने यहाँ रासलीला करी गरबा हुआ, यहाँ तो पूरी दुनिया में गरबा किया आप लोगों ने, कमाल है, वास्तव में यूनिवर्सल हो गई थी वो कथा। और यहाँ ठाकुर जी को भोग लगा गिरिराज जी को, और सभी घरों में भोग सामग्री बनी और सब लोगों ने, इस तरह से श्री गिरिराज जी ने पहली बार भोग रोगा होगा, सही मायने में बहुत विशिष्ट कथा और अद्भुत कथा रही। तो आप सब लोग जहां हैं, जिस देश में हैं, हाथ में विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पुस्तक लेकर के बैठे होंगे, आप सब लोग साथ साथ में गाएंगे, ठीक है, गाइए। किमेकं दैवतं लोके, किमेकं दैवतं लोके, किं वाप्येकं परायणम्, किं वाप्येकं परायणम्, किं वाप्येकं परायणम्, किं वाप्येकं परायणम्, स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः, स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः, स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः, स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः, प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्, प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्, प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्, प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्। किमेकं दैवतं, देव इत्यर्थः, किमेकं दैवतं लोके, समस्त विद्याओं का, ज्ञान का, प्रकाश का हेतु भूत एक ही देव कौन है? ये चर्चा करते समय स्वाभाविक रूप से याद आ जाती है श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की, चारों बातें एक ही श्लोक में ले ली गई। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, किमेकम दैवतम लोके, दिव्यतीति देवः, जो प्रकाशमान है। तो प्रकाश के हेतु भूत, ज्ञान भी प्रकाश रूप है, तो समस्त विद्याओं के स्थान, प्रकाश के हेतु भूत लोक में एक ही देव कौन है, जिसके विषय में कहा गया है कि जिसकी आज्ञा से सब प्राणी प्रवृत्त होते हैं। ऐसा किमेकं दैवतं लोके, ये मेनली हम आद्य शंकराचार्य भगवान की टीका के आधार से ही चल रहे हैं, इसलिए केंद्र में बेस वो रखेंगे, बाकी सब चर्चा करेंगे। किं वाप्येकं परायणम्, तथा एक ही परायण कौन है, यानी परायण का यहां पर अर्थ क्या है, पर अयन प्राप्तव्य, पर श्रेष्ठ, ऐसा कौन सा प्राप्तव्य है श्रेष्ठ, जिसकी प्राप्ति करने के बाद और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्। देखो श्रीमद् भागवत हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे ये विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र हो, सबका आरंभ होता है प्रश्न से, है ना। तो जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में शवनकादि ऋषियों के द्वारा 6 प्रश्न पूछे गए,
और उससे भागवत का प्रारंभ हुआ। छह गुण वाले भगवान के विषय में छह प्रश्न हैं। अब यहां भी यदि देखा जाए तो आरंभ में ये छह प्रश्न है। एक दृष्टि से देखा जाए तो यहां भी छह प्रश्न है। पाठ कर लिया जाए छवों का, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। किमेकं दैवतं लोके, किमेकं दैवतं लोके, किं वाप्येकं परायणं, किं वाप्येकं परायणं, स्तुवन्तः कं, स्तुवन्तः कं, कमर्चन्तः, कमर्चन्तः। उन दोनों के साथ जोड़ करके कहिए, प्राप्नुयुर्मानवाशुभम्, प्राप्नुयुर्मानवाशुभम्। चार प्रश्न हो गए। को धर्मः सर्वधर्माणाम्, को धर्मः सर्वधर्माणाम्, भवतः परमो मतः, भवतः परमो मतः। ये पांचवा। किं जपन्मुच्यते जन्तुः, किं जपन्मुच्यते जन्तुः, जन्म संसार बन्धनात्, जन्म संसार बन्धनात्। ये छठा। तो छह प्रश्न से जिस तरह से भागवत का प्रारंभ हुआ तो यहां पर भी युधिष्ठिर के छह प्रश्न से प्रारंभ है। पहला प्रश्न, किमेकम दैवतम लोके। दूसरा प्रश्न, किम वा अपि एकम परायणम। तीसरा प्रश्न, स्तुवंतः कम प्राप्नुयुः मानवा शुभम। और चौथा, कम अर्चन्तः प्राप्नुयुः मानवा शुभम। पांचवा प्रश्न, को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः। और छठवां प्रश्न, किम जपन मुच्यते जंतु जन्म संसार बंधनात्। छह प्रश्न है। पहले दो श्लोक है ना, इसका मंगलाचरण है, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। और फिर वो संवाद शुरू हुआ कि वैशंपायन ने कहा कि जब युधिष्ठिर ने सब धर्मों के विषय में भीष्म से सुन लिया तो फिर ये जानने की इच्छा से कि ऐसा उपाय जो एकदम सरलता से होए और सबसे श्रेष्ठ फल देने वाला होए, उसकी बात अभी नहीं आई इन धर्मों में, तो मैं वो वाला धर्म पूछ लूं अब। और देखिए, भगवान के नाम की बात है, गीता भागवत में अनेक प्रकार के यज्ञों के विषय में बताया। महात्म्य में ही हम भागवत के महात्म्य में ही हम चर्चा करते हैं, देखते हैं कि सनत कुमारों ने समझाया कि भाई द्रव्य यज्ञास, तपो यज्ञ, योग यज्ञास तथा कई यज्ञ है, ते तो कर्म विसूचका। लेकिन स्वाध्याय यज्ञ इत्यादि सारे यज्ञों में सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, वो सत्कर्म सूचक है, तो उसकी महिमा करी गई ज्ञान यज्ञ की, वो सत्कर्म सूचक है। इसलिए आप श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ करो। और फिर नारद जी ने प्रतिज्ञा करी, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्वलम। यहां जो सुखपूर्वक यानी सरलता से, अति सरलता से प्राप्त होने वाला यज्ञ है या उपाय है या धर्म है, जिसका बहुत बड़ा फल परिणाम मिलने वाला है, वो कौन सा यज्ञ है? ये जप यज्ञ है। और भगवत गीता के अनुसार जप यज्ञ को भगवान ने अपनी विभूति बताया है, यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि, सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं।
ये किस तरह से एकदम सरल है, या तो सुख संपाद्य है, किस तरह से? बोले देखो, दूसरे यज्ञ में क्या होता है कि एक तो बहुत सारे द्रव्यों की अपेक्षा होती है, यज्ञशाला बनाओ पहले, तो उसमें खर्चा करो यज्ञशाला बनाने के लिए। अपने यहाँ 108 कुंडी जब विष्णु याग किया, क्या बढ़िया वाली यज्ञशाला बनी थी, नहीं, दशाब्दी उत्सव किया हम लोगों ने श्री हरि भगवान का, तो बड़ी देवी यज्ञशाला बनी थी। कुछ अमेरिका से हमारे उस समय में पाठोत्सव के अवसर पर हुआ था वो यज्ञ, तो कुछ डिवोटीज आए थे, तो अभी यज्ञ शुरू नहीं हुआ था, वो यज्ञशाला बन करके करीब करीब तैयार हो चुकी थी। तो उनके साथ मैं गया यज्ञशाला का निरीक्षण करने, तो बड़े खुश हो गए, वाह ब्यूटीफुल, उनके जैसे उद्गार होते हैं अब लोगों के, क्या बढ़िया बनी है भाई श्री यज्ञशाला, बहुत सुंदर। तो ये फिर अब रहेगी ना यहां? मैंने कहा ना, ये तो 5 दिन है पाठोत्सव के, 5 दिन ये यज्ञ चलेगा महाविष्णु याग पाठोत्सव के निमित्त। बोले उसके बाद? मैंने कहा फिर उसको डिमोलिश किया जाएगा। इसको आप डिमोलिश कर देंगे, इतनी बढ़िया वाली यज्ञशाला को? बोले यहाँ तो यही होता है, आप कुंभ के मेले में जाओ, क्या शिविर बनती है, क्या सजाए जाते हैं, और क्या अद्भुत। और फिर वो 21 दिन का या 1 महीना का, 1.25 महीना का, जितना समय नक्षत्रों के अनुसार कुंभ चले उतने दिन का वो खेल होता है। एक पूरा शहर बस जाता है नया, एक नई दुनिया, उसमें सारी चीजें, हाँ, रोड्स, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, सबको पानी पहुंचाना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, पुलिस स्टेशन बनाने अलग 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 जगह, फायर स्टेशन, वहां फायर फाइटर्स रखना, वो भी कितने बड़े, वहां आप प्रयाग में तो जाओ, हे भगवान, 2 करोड़ लोग रहते हैं उसमें, उस दिन स्नान करते हैं, मौनी अमावस्या हो या मुख्य जो दिवस हो, तो लाखों लोगों के लिए एक अस्थाई नगर बन जाता है। और फिर थोड़े समय के बाद जैसा था वैसा ही मैदान, फिर वही त्रिवेणी की रेत, वही टीले, ये खेल है। तो बोले यज्ञशाला जैसे पूरा हो जाएगा 5 दिन का यज्ञ, फिर जय श्री कृष्ण। तो यही हुआ, हमने फिर वहां जो मिट्टी लगाई थी, लेकिन वो बनाने में पहले इतना प्लेटफॉर्म पर करना पड़ा, वहां भर्ती करनी पड़ी, और भर्ती में भी ऐसी मिट्टी डालनी पड़ी कि जी फिर खेतों में काम आए, क्योंकि खेत फिर खराब नहीं होने चाहिए, तो वो यज्ञ वाली ही मिट्टी खेतों में जाएगी, तो उससे जो घास निकलेगी वो हमारी गौ माताएं खाएंगी, तो और यज्ञ से चार्ज हुआ हुआ उनका आहार, तो गौ माता और अमृतमय दूध देगी। लेकिन इतने दिन लग गए यज्ञशाला बनाने में, और फिर खोलने में भी 2 दिन गए, और फिर इतनी वेदिकाएं बनाई गई, इतने सब पूजा पदार्थ लाए गए, इतनी मूर्तियां लाई गई, इतना ये इतना वो, कितना सारा द्रव्य एकत्र करना पड़ा। ठीक है, जप यज्ञ में ये कुछ भी नहीं चाहिए, एकदम सुख साध्य है, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, उस यज्ञ में तो फिर विद्वान पंडित ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ती है, इसमें यह भी जरूरी नहीं, किसी की जरूरत नहीं, आप अकेले बैठ करके विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करो, या तो हाथ में माला लेकर जप करने लग जाओ, जप यज्ञ, और कोई की जरूरत नहीं। कोई आ गया तो साथ बैठ करके नाम संकीर्तन करो, नहीं तो अकेले में जप करो।
यहां किसी की जरूरत नहीं है। यहां तक कि उस यज्ञ में तो सपत्नीक बैठना पड़ता है, पत्नी की जरूरत पड़ती है, यहां तो उसकी भी जरूरत नहीं हो तो उसको भी माला थमा दो कि तू भी बैठ, ना हो तो और अच्छा, किसी की जरूरत नहीं है। जब यज्ञ आप अकेले कर सकते, न कोई पंडित पुरोहित की आवश्यकता, न कोई अन्य सहायकों की जरूरत, पत्नी की भी जरूरत नहीं, या तो पत्नी के लिए पति की भी जरूरत नहीं, पत्नी अकेले बैठ करके ये जप यज्ञ कर सकती है भगवान के नामों का। तो उस यज्ञ में धन संपत्ति इत्यादि चाहिए, इसमें उसकी आवश्यकता नहीं है। उस यज्ञ में अन्य अन्य द्रव्य इत्यादि की जरूरत पड़ती है, इस यज्ञ में उसकी जरूरत नहीं। उस वाले यज्ञ में पंडित पुरोहितों की, सहायकों की, पत्नी की जरूरत पड़ती है, इसमें यह भी जरूरी नहीं। उस यज्ञ में देश काल देखना पड़ता है, सही भूमि का चयन, जहां गटर हो, गंदगी हो, वहां थोड़ी ना आप यहां बैठ करके यज्ञ करें। थोड़ी अच्छी जमीन, थोड़ी अच्छी जगह, थोड़ी पवित्र जगह देख करके तब आप यज्ञ करेंगे। और देश का तात्पर्य है कि आप बहुत ज्यादा कोलाहल जहां न हो, ऐसा कोई अच्छा सा स्थान, चाहे आश्रम हो, चाहे मंदिर हो, या तीर्थ में कहीं जाकर का, या तो नदी का किनारा हो तो ज्यादा अच्छा। और काल मुहूर्त भी देखना पड़ता है, अग्नि का स्थान कहाँ है वो देखना पड़ता है, शुक्र का अस्त है कि नहीं वो देखना पड़ता है, और कौन कौन दिन में आहुतियां, नहीं तो फिर किसके मुंह में जाती है, गड़बड़ हो गया यदि मुहूर्त देखने में। तो क्या अभी बता रहे थे पाठक जी कि कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक सामान्यतया वो प्रारंभ नहीं करते। तो इन सब बातों को उस वाले यज्ञ में देखना पड़ता है, इसमें तो वो भी कोई जरूरत नहीं है। आधी रात में आपकी नींद खुल गई और फिर नींद नहीं आ रही है, शुरू हो जाओ भगवान के नाम का जप करने, नाम स्मरण करने लग जाओ, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने लग जाओ। इसलिए कई लोग ये भी पूछते हैं, ये क्वेश्चन आंसर सेशन में ये भी प्रश्न आते हैं कि बिना नहाए धोए भी क्या हम भगवान का नाम ले सकते हो? नाम जप में कोई समस्या नहीं है, नाम स्मरण हो सकता है। इसलिए हम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के साहित्य में पढ़ी हुई उड़िया बाबा जी की वाली बात मैंने कथाओं में कई बार आप लोगों को सुनाया। तो उड़िया बाबा जी की महिमा है कि वृंदावन में काषाय वस्त्र वाले सन्यासी दिखने लगे, नहीं तो ये तो भक्ति की भूमि है, वहां सन्यासियों का क्या काम, विरागियों का क्या काम, वहां तो रागी अनुरागी ही इकट्ठे होते हैं। लेकिन उड़िया बाबा जी के समय से फिर वहां, और हम तो केवल पढ़ते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं कि क्या जमाना रहा होगा, वो इतने सारे दिग्गज संत उस वक्त भारत की भूमि पर विचरण कर रहे थे, और पूज्य उड़िया बाबा जी जैसे विरागी महापुरुष। आप लोगों को भी कभी वो YouTube पर उड़िया बाबा जी महाराज का दर्शन हो सकता है। उस जमाने में पता नहीं, देखो विज्ञान और टेक्नोलॉजी का ये आशीर्वाद है, किसी ने फिल्म बना ली होगी। उस समय में जैसे कैमरा थे तो गांधी बापू भी देखने मिलते हैं, सुनने मिलते ही हैं, सुभाष बाबू देखने सुनने को मिलता ही है। हाँ, उस तरह से उड़िया बाबा जी की भी कुछ फिल्में, माँ आनंदमयी माँ की कुछ फिल्में अवेलेबल है, तो कभी YouTube पर उसका दर्शन कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन आंसर सेशन होता था उड़िया बाबा जी महाराज का। तो सत्संग में एक साधु ने किसी दूसरे युवान साधु की शिकायत कर दी उड़िया बाबा जी महाराज से। महाराज जी बोले, ये जो बैठा है ना, ये शौच जाते समय भी भगवान का नाम लेता है,
तो क्या ये सही है? तुड़िया बाबा जी महाराज ने सहज ही कह दिया कि भाई ऐसा करो भाई, शौच के समय में कम से कम बिना नहाए धोए ले सकते हो, ठीक है, लेकिन शौच के समय में नाम स्मरण मत किया करो। तो सामने बैठा था साधु, तो उसने कहा बाबा जी गलती हो गई, ठीक है, जो आपकी आज्ञा। तो बात वहां समाप्त हो गई, उड़िया बाबा जी ने आज्ञा कर दी। तो एक दिन सुबह उड़िया बाबा जी सुबह वो शौच के लिए जब, और उस जमाने में तो ऐसे कुछ वो अंदर आश्रम में ही शौचालय हुआ नहीं करते थे, बाहर जाना पड़ता था। तो उड़िया बाबा जी महाराज जा रहे थे, तो वो युवा साधु वो भी शौच के लिए कहीं बैठा था अलग स्थान में, तो लेकिन उड़िया बाबा जी की दृष्टि वहां पड़ गई आगे बढ़ते हुए, तो देखा कि वो शौच के लिए बैठा था और अपने दोनों हाथ से अपनी जीभ को पकड़ करके बैठा था। तो बाबा जी ने तो केवल देख लिया और बाबा जी बढ़ गए। लेकिन उस दिन फिर सत्संग के समय में उड़िया बाबा जी महाराज ने उस युवा साधु से कहा कि तुम शौच के समय अपनी जीभ पकड़ करके क्यों बैठे थे? तो उस साधु ने कहा कि बाबा जी क्या करें, मेरी जीभ को आदत हो गई है नाम स्मरण की, और आपने आज्ञा दी कि शौच के समय में नहीं लिया जाए, लेकिन ये आदत हो गई, मानती नहीं है जीभ, और बाबा जी आपका आदेश भी मानना है मुझे, तो इसलिए जीभ को पकड़ करके रोका कि चुप कर, अभी चुप कर, अभी चुप कर, बाबा जी की ना है, लेकिन सतत हो रहा है नाम जब बाबा जी कैसे। तो उस वो रो दिया, तो उसकी मस्ती देख करके उड़िया बाबा जी ने कहा कि अब तेरे लिए कोई विधि निषेध नहीं है। उस प्रेम की अवस्था में अब तेरे लिए कोई विधि निषेध नहीं। तो यहां देश काल का भी वो वाला कोई बंधन नहीं है इस जप यज्ञ में। तो वास्तव में इसलिए एकदम एकदम सुख साध्य है। तो ये प्रश्न पूछा है युधिष्ठिर ने। तो हम चर्चा ये कर रहे थे कि जिस प्रकार भागवत का आरंभ 6 प्रश्न से होता है, उसी तरह यहां युधिष्ठिर ने भी उस भाव से 6 प्रश्न पूछे हैं, और उन 6 प्रश्नों का जैसे भागवत में संक्षेप में जवाब दे दिया गया है ना, फिर विस्तार किया गया, उसी तरह यहां शुरुआत में 6 प्रश्न का पहले जवाब दिया गया है, और फिर वो कल देखेंगे हम, आज समय हो गया है, कल देखेंगे उसके ऊपर कि ये जो 6 प्रश्न है उसका पहले संक्षेप में 6 का जवाब मिल जाएगा, और फिर वो नाम वाली यात्रा होगी। आओ, आज समय यहां विराम ले रहा है, तो हम इतनी भूमिका के साथ, इतनी पीठिका के साथ यात्रा करी, कल हम फिर आगे वाली यात्रा करेंगे। आइए कुछ मिनट शाम भाई प्रेम से भगवान नाम का महामंत्र का ही संकीर्तन थोड़ी देर कराएं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे,
कृष्ण कृष्ण हरे हरे सभी को जय श्री कृष्ण जय श्री आराम सभी को प्रेम प्रणाम। आज प्रथम दिवस की हमारी यात्रा यहाँ पर विराम ले रही है। पूज्य भाई श्री के श्री मुखारविंद से हम सभी अभी रसपूर्ण चर्चा आने वाले दिनों में भी करेंगे। आज से इस रस यात्रा का हमारा आरंभ हो चुका है जूम ऐप के माध्यम से एवं हमारे संदीपनी विद्यानिकेतन के विविध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे श्री हरि के कई सारे भक्तजन जुड़े हुए हैं और आप आने वाले 10 दिन और जुड़े रहिएगा। साथ में विशेष रूप से इस संपूर्ण प्रवचन यात्रा में जो भी भक्तजन विशेष रूप से दैनिक मनोरथी के रूप में सेवा के साथ जुड़ना चाहते हैं, मनोरथी बनना चाहते हैं, वे हमारे अमेरिका स्थित यूएसए स्थित जो भी भक्तजन है वे कृपा करके हमारे श्री अरविंद भाई पटेल का संपर्क करें। उनके संपर्क सूत्र है +1 313 850 9937। और बाकी सभी भक्तजन हमारे ऋषि कुमार श्री भरत भाई दवे का संपर्क करें जिनके संपर्क सूत्र है +9199251 96353। आइए अब हम सभी साथ मिलकर निराजन करें हमारे इस संपूर्ण प्रवचन यात्रा के। हमारे जो मनोरथी परिवार है भगवदिया श्रीमती गौरी बहन विजय जी गोयल परिवार मेरठ, विजय जी हमारे साथ जूम ऐप के माध्यम से जुड़े हुए हैं और भगवदिया श्रीमती गौरी बहन हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर मंच पर पधारे और उनके द्वारा अब निराजन संपन्न होगा। साथ में आज के हमारे जो दैनिक यजमान हैं दिल्ली से भगवदिया ऋचा बहन शर्मा, कृष्णा बहन शर्मा और विभू महाजन, वे भी हमारे साथ जूम ऐप के माध्यम से जुड़े हुए हैं और आपके द्वारा भी यहाँ पर निराजन संपन्न होगा। आइए हम भगवान की मंगलमयी आरती करें। श्री हरि भगवान की जय। जय श्री हरि स्वामी प्रभु जय श्री हरि स्वामी नाम सहस्र स्वरूप मेरा जत बहु नामी जय श्री हरि स्वामी समझाते लोम को समझाते लोकाध्यक्ष हरि को लोकाध्यक्ष हरि को भज सब सुख पाते जय श्री हरि स्वामी गौण नाम सब गाए विश्वरूप
रूप प्रभु के स्वामी विश्व रूप प्रभु के स्तुति अर्चा उनकी स्तुति अर्चा उनकी सम्मुख श्री हरि के जय श्री हरि विष्णु सहस्र नाम जो सुनते आगाते प्रभु सुनते आगाते भोग मोक्ष की क्या है भोग मोक्ष की क्या है हरि भक्ति पाते जय श्री हरि स्वामी जय श्री हरि स्वामी प्रभु जय श्री हरि स्वामी नाम सहस्र स्वरूप में नाम सहस्र स्वरूप राजत बहुनामी जय श्री हरि स्वामी जय श्री हरि स्वामी जय श्री हरि स्वामी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वजः मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते हरि ओम मा जगनेन जगमय जन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हराकं महिमानः सजन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धे पुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि प्रदानेन देहि मे वाञ्छितं फलम् भूरभुव स्व पुराण पुरुषोत्तमाय नमः चरण कमलियोर मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि प्रार्थयेत सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः भूरभुव स्व पुराण पुरुषोत्तमाय नमः प्रार्थना पुरुकनंद कोटिवारं नमस्कारान् समर्पयामि श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय सदगुरु भगवान की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हरि सभी को जय श्री कृष्णा कल पुनः ठीक 3:30 बजे से हम श्री विष्णु सहस्र नाम स्तोत्रम के पाठ के साथ कल के सत्र में जुड़ेंगे 4 बजे से हम सभी पूज्य भाई श्री की मंगलमयी दिव्य वाणी के साथ हम प्रवचन भी श्रवण करेंगे और अब ठीक 7 बजे श्री हरि मंदिर में भगवान के विभिन्न विग्रह स्वरूपों का निराजन किया जाएगा और हम सभी निराजन में जुड़े इसका भी सीधा प्रसारण हमारे संदीपनी विद्या निकेतन के विविध मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो रहा है तो आप अवश्य लाभ लें जय श्री कृष्णा जय सियाराम सभी को प्रणाम तर...